चतुर्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाचलकुतरुभ्रस्य कृपासिन्धुमयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजातुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायतक्षौ विश्वम्भरौ निजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिककर्त श्रीराधकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभाय सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाये तुलसी दत्तये प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवे सत्यवतये नमो नमः। जय रूप सनातन भट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट दास रघुनाथ ऐच्छय गोसाई करी चरण बंदन जहाँ है ते विघ्न नाथ अभीष्ट पुरन। समाधि देवं करुणा निदानम कमाल वर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहि भागवतम स्वरूपम। जन्त प्रभजन्त मन पेतम अपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातर आजु भाव पुत्रेति तन्मय दया करवो विनेगुम तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तुष्णि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म वित्तलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे संख्या गुरुपाद पद्म वित्तलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज वित्रिला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री त्रिदेवी पादगर भक्तिवेदांत निलय महाराज भक्तिवेदांत नासिंह महाराज भक्तिवेदांत श्री जातक महाराज अन्यान्य वैष्णव वैष्णव मदन प्रभु प्रेम प्रभु समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को चरण में कृष्ण चरण प्रभु कृष्ण चरण प्रभु जी सभी को चरण में मैं यथार्थ प्रणाम करता हूँ। आज हम लोगों का बहुत बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का आज हमें
सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखो ये स्थान कितने पवित्र स्थान है। पहला नंबर है श्री गंगा जी यहाँ प्रवाहित हो रहे हैं। यदि ये गंगा कौन है, बोले ये गंगा साधारण वस्तु नहीं, ये भगवान की चरणा मृत है। इसलिए चतुसन ने जब ये श्रीमद् भागवत कथा हरिद्वार में सुनाई, उन्होंने कहाँ पर कथा सुनाया था, ये गंगा के नाम, क्योंकि ये गंगा अत्यंत अत्यंत पवित्र अपनी गंगा है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये जगत में क्यों आए हैं, जब श्री अद्वैत आचार्य ने देखा ये जगत का दुर्दशा को देखा, कैसे जी कृष्ण विमुख होकर के दुख कष्ट भोग कर गए, उन्होंने देखा जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आएंगे तब तक ये जीवों का कल्याण करने वाले नहीं। इसलिए उन्होंने सारे शास्त्र को ढूंढते ढूंढते तो देखा भगवान को अवतीर्ण कराने का सबसे सरल उपाय क्या है। सारे शास्त्र को ढूंढते ढूंढते उनको एक श्लोक मिला, ये भगवान खुद कहते हैं तुलसी दल मात्र। अगर कोई हाथों में गंगा पानी और तुलसी पत्ते को लेकर के ठाकुर जी को अर्पण कर दे, भगवान उनका ऋणी को चुकाने के लिए भगवान सर को खुजला मिल जाते। हम सर को खुजलाते हैं जब ज़्यादा ऋणी ग्रस्त हो जाए। इसलिए गंगा की इतने पवित्रता है, स्वयं भगवान कहते हैं सुतिया अच्छुत क्षीर समुद्र सागर निद्रा भंग हैलमोर नड़ार होता। मैं क्षीर समुद्र में सो रहा था, लेकिन श्री अद्वैत आचार्य ने इसी गंगा पानी और तुलसी दल जब मेरे को अर्पण किया, उन्होंने मेरे आसन को हिला दिया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आने का जो कारण है ये गंगा नदी। भगवान इतने संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर श्री गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। ये गंगा की इतने पवित्रता गंगा नदी की, जब श्री सगर महाराज के 10,000 संतान कपिल मुनि के अभिशाप से सबके सब ध्वंस हो गए, लेकिन इनकी वंश में अंशुमान और विभिन्न राजा लोग प्रचेष्टा किया गंगा को लाने के लिए, लेकिन जिस समय भगीरथ ने गंगा को लाए, ये गंगा नदी की इतने पवित्रता 1,000 साल पहले वो जल करके राख बन गए थे, उनकी कोई भी अस्तित्व तो नहीं थी, लेकिन जब ये गंगा जल उनको ऊपर होते हुए चली गई, वहां पर कुछ भी नहीं था, राख हड्डी फाटी कुछ नहीं, लेकिन जब गंगा पानी इनको ऊपर चली गई अपने आप इनको मुक्ति मिल गई। मतलब ये गंगा नदी की इतने पवित्रता। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेकर भी जा रहे थे, कहीं भी उन्होंने हरि कीर्तन नहीं सुना, लेकिन जब थोड़ी दूर गए कोई कोई बोल रहे थे हरि बोल ताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। महाप्रभु सोच रहे हैं अभी तक तो किसकी मुंह में ठाकुर का नाम ही सुनने को नहीं मिल रहा था, यहाँ पर हरि बोल कैसे सुनाई पड़ रहा है। देखा कारण है वो गंगा नदी बह रही पास, उसकी हवा अगर किसकी शरीर में लग जाए उसकी हृदय में भगवत प्रेम भगवत भक्ति को संचार कर देती है गंगा नदी। बोले श्री गंगा नदी की। इसलिए गुरु जी हमारे को कथा सुनाते थे, देखो गंगा की कितने महिमा और गंगा के यहाँ प्रवाहित हो रही। बोले एक समय कोई एक गुणी गुणी जानते जो भूतों को छुड़ाने वाले, वो जा रहा था, देखा तो जो भूत लोग वहाँ पर बैंड पार्टी बजा बजा करके बड़े उत्सव कर रहे थे। वो जो गुणी था उसने एक भूत को बुलाया, बोले इधर आओ क्या बात है आज तुम लोग यह बैंड पार्टी बजा करके क्या उत्सव क्यों कर रहे हो। बोले हमारे पास में एक कुंवारी लड़की है, कल उसकी शादी होने वाली है। बोले भैया शादी किसको साथ में होगी। बोले कल दो सांढ़ों में लड़ाई होगी और एक जवान वो दोनों सांढ़ का लड़ाई को उनको छुड़ाने के लिए जब जाएंगे
और एक सांड ने उसको पेट में बड़ी जोर से अपना सींग से उसको मारेगा, मारते हुए अपना प्राण छूटेगा, वो अपमृत्यु होगी, कल मरेगा, वो भूत बनेगा। हमारे पास में एक कुंवारी लड़की कल इसके शादी हो गया, वो गुणिनी सोच करके बड़ा आश्चर्य लगा। फिर जब उधर से गुजर रहा था, देखा भूत लोग बैठ करके रो रहे हैं, बोले भैया कल तो बड़े उत्सव मना रहे थे, आज रो रहे थे। बोले बहुत बड़ा अनहोनी हो गई। बोले क्या अनहोनी हो गई? मैंने पता लगाया, सचमुच से दोनों सांड में लड़ाई हुई, वो जवान की मृत्यु हुई, मैंने पता लगाया अनहोनी क्या हो गई। आप देखना सांड का सींग में जब खुजली मचती है तो सींग से मिट्टी को ऐसे कुतरता है, उसको सींग नहीं, जो गंगा का जो रज, गंगा का जो रज धूल उसको सींग में लगा हुआ था। जब उसने उसको मारा, चुके मरते समय गंगा का थोड़ा जो धूल उसको शरीर में लग गया तो वो सीधा वैकुंठ चला गया। ये गंगा की केवल धूल में इतने शक्ति है। गुरु जी और एक कथा सुनाया करते थे, एक समय गरुड़ का आहार ये सर्प है। ये गंगा किनारा में कोई एक सर्प वो अपना बीन के अंदर में था और मुंह को बाहर निकला था, इतने में गरुड़ ने झपट मार करके उसको पकड़ करके जब खींचा, वो खींचते ही सांप का मृत्यु का समय पर उसका पूंछ केवल गंगा पानी में स्पर्श हो गई। स्पर्श होते ही वो सर्प और चतुर्भुज श्री वैकुंठ का जो दूत होते हैं उन्हें बड़े सुंदर चतुर्भुज रूप धारण किया। वो गरुड़ उसको खाएगा क्या, उसको पीठ में बैठा करके उसको वैकुंठ ले जाना था। बोले श्री गंगा देवी की, इसलिए यहाँ पर श्री गंगा नदी प्रवाहित तो हो रही है और उनको किनारा में बैठ कर ये कथा सुनने का तो इतने पुण्य जो सोच नहीं सकते। ये एक गंगा नदी, दूसरे क्या है, ये स्थान का नाम क्या, निमाई तीर्थ था। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर आए, श्री चैतन्य महाप्रभु भी आए थे, इसलिए ये और समझो उसमें चार चांद लग गया। केवल इतना नहीं, हमारे जाचक महाराज बोल रहे थे ठाकुर जी उन्होंने स्वप्न दिया है, ठाकुर जी उन्होंने स्वप्न दिया है, मैं गंगा किनारा में बैठ करके हरिनाम कर रहा हूँ। पहले श्रील भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज और कहीं गंगा किनारा में भजन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने स्वप्न देखा है मैं गंगा किनारा में बैठ करके भजन कर रहा हूँ, इसलिए यही जगह स्वप्न में आया है। जब स्वप्न में आए श्रील भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज तक यही स्थान स्वप्न आया था, फिर धीरे धीरे आ करके ये प्रभु जी ने, हाँ कृष्णदास प्रभु जी इन्होंने आए तो इन्होंने गुरु जी के शरण में आश्रय लिए और उन्होंने अपना प्राण खोल करके दिल खोल करके ये स्थान को गुरु जी को प्रदान किया। बोले श्री कृष्णदास प्रभु की। देखो ठाकुर जी सभी की सेवा ग्रहण नहीं करते, ठाकुर जी सभी की सेवा ग्रहण नहीं करते, इसलिए कहते ना सबसे ऊंची प्रेम सभा सजाई दुर्जन की सेवा त्यागे साथ विदुर घरे खाई, सबसे ऊंची प्रेम सजाई। उनने दुर्जन की विवाह मिश्री को त्याग दिया, लेकिन विदुर जी के घर में प्रभु साग भाजी और केले का छिलका ठाकुर जी खाया। भगवान वैकुंठ का पति है, भगवान की किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन जिसकी वस्तु ठाकुर जी ग्रहण करते हैं वो बड़े सौभाग्यवान। इसलिए मैंने कृष्ण स्वयं कहते उद्धव जी, अगर मेरे कहीं मंदिर बन रहा है उसमें कोई एक ईंट अगर दे दे उसी के लिए मैं गोलोक वृंदावन में उसके लिए मैं महल बना देता हूँ, एक अगर ईंट मंदिर की सेवा में दे दे। लेकिन कृष्णचंद्र प्रभु जी संपूर्ण स्थान को उन्होंने साधु गुरु वैष्णव को देना ये कोई साधारण बात नहीं, एक पैसा निकलना बड़ा कठिन है, एक व्यक्ति से एक पैसा निकलना कठिन है। अभी इस स्थान का कीमत कितने करोड़ रुपया होगा, लेकिन इन्होंने दिल खोल करके जब गुरु जी की सेवा में दिए हैं,
समझो ये बड़े पुण्यात्मा हैं, ठाकुर जी इनकी वस्तु को कृपा किया है, इनकी वस्तु को ठाकुर जी ग्रहण किया है। और यहाँ पर श्रील भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी का भजन कुटी है, हमारे भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी यहाँ पर आए और यहाँ पर सारे वैष्णव लोग आते रहते हैं, यहाँ ठाकुर जी की नित्य सेवा पूजा हो रही है। इसी दृष्टिकोण से ये स्थान अत्यंत पवित्र स्थान है और हम सबके सब बैठ करके जो ये भागवत कथा सुन रहे हैं, समझो तो इसका महिमा, हम इसकी महिमा को बता ही नहीं सकते हैं, ये इतने महिमा युक्त ये स्थान है। बोले श्री वृंदावन बिहारी बोले श्री गंगा देवी बोले श्री सचिन नंदन गौर हरी गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि पिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि 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 गौर। आज हम लोग सप्त दिवस व्याप्ती ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे, इसलिए हम लोगों का परम सौभाग्य है। इसलिए संतों का कहना है जगत में ऐसे कुछ वस्तु है, अगर हमारे पास में पैसा की बल हो, जो काम की पैसा की बल पर कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ वस्तु है, अगर हमारा पास में जन बल हो, लोग हमें मदद कर रहे हैं, जो काम को हम कर सकते। जगत में ऐसे कुछ काम है, उससे भी ज्यादा बल है मन की बल। जो काम को हम अपना मन की बल पर कर सकते हैं, लेकिन उससे सबसे ज्यादा बल के बड़ा बल क्या बल आत्म बल है। जगत में ऐसे कुछ काम है, जो काम को हम आत्म बल पर कर सकते हैं, लेकिन वैष्णव का कहना ये भागवत कथा रखना और ये भागवत कथा सुनना न तो कोई जनबल से कर सकते हैं, न तो कोई अर्थ बल से कर सकते हैं, न तो कोई मन बल से कर सकते हैं, न तो कोई आत्म बल से कर सकते हैं। जब तक ठाकुर जी की गुरु वैष्णव की कृपा की बल नहीं हो, तब ये कथा कोई रख भी नहीं सकते हैं और ये कथा कोई सुन नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे श्री मीडिया महाराज जी ये हर साल है, ये हर साल क्या कर रहे हैं, आप भक्त जन को लेकर के ये जो भागवत कथा रखवा रहे हैं, सच बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परिचित को कहते हैं बोले स्वर्गीय सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमृत। इसका मतलब है आज जो सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहे हैं, आज जो सौभाग्य आज हमें प्राप्त हो रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी सौभाग्य में भी ये भागवत कथा सुनने का उनकी सौभाग्य नहीं मिलता। जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये भागवत कथा सुनाने जा रहे थे, जिन जिन देवता को हम लोग को पूजा करते घर में, वो 33 करोड़ देवता अपना पत्नियों को साथ में स्वर्ग से उतर कर गया, खाली हाथ से नहीं अमृत कलश लेकर गया है। बोले हे सुखदेव गोस्वामी ये भागवत कथा हम क्यों सुना रहे हो, चूंकि इनकी श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिया है ये सप्तम दिवस में इनको तक्षक दर्शन करेगा, इसलिए कथा सुनाने जा रहे हैं। बोले हाँ, बोले लो हम स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए, लो ये पूरी की पूरी अमृत कलश ले लो, ये अमृत कलश को और श्री परीक्षित महाराज को पिला दो, ये अमर हो जाएगा। लेकिन आप जो ये कथा अमृत इनको सुनाने जा रहे हो, ये कथा अमृत आप हमें सुना, ये कथा अमृत हमें सुना दो। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी वहां से उनको खदेड़ दिया, वहां से भगा दिया, बोले को काज को मणि मान लो मूर्ख देवता हो, तुम लोग बड़ी मतलब हो, केवल अपना मतलब को सिद्ध करना जानते हो। वो कहते को सुधा को मणि महा उदाहरण देते हैं, अगर कोई व्यक्ति कोई ताज के टुकड़े लेकर के आए, बोले ये ताज के टुकड़े आप ले लो, लेकिन आपको पास में जो मणि है ना वो मणि हमें दे दो, आप दे दोगे
बोलो आप दे दोगे? नहीं दोगे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, ये श्रीमद भागवत कथा नहीं, ये स्वयं भगवान कृष्ण है। ये भागवत नहीं, ये स्वयं तेन अयत बांधमयी है। हैं? कि ये भागवत जगत में क्यों प्रकाशित हुआ है? बोले कृष्णा स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः कलौ नष्टा दृशमेश पुराण अर्थात। जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, अब ये घोर कलयुग आ गया। अब ये कलयुग से जीव को निस्तार कैसे मिले? ये कलयुग नहीं, ये घोर अंधकार आ गया है। अब ये कलयुग में लोग मार मार काट काट और झगड़ा अशांति दुखद रखते हैं। इसलिए प्राप्त ये कलयुग के बुरा मेरा पुण्य विवर्जिता। ये कलयुग आने पर लोग पुण्य कर्म नहीं करेंगे, स्वाभाविक रूप में इनको पाप करने में स्वाभाविक रुचि होगा। अभी भगवान बड़े चिंता में पड़े, कलयुग में जीव का कल्याण हो तो कल्याण हो कैसे? तब भगवान कृष्ण ये कलयुग में जीव की कल्याण करने के लिए ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में प्रकट हुए। ये भागवत नहीं, पर जैसे सूर्य उदय होने पर सारे अंधकार अपने आप दूर हो जाते हैं, चार चोर गुंडा बदमाशियों का भय अपने आप दूर हो जाती है। उसी तरह जब ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूपी सूरज जगत में प्रकट हुए, जितने अज्ञान और अंधकार ये सब के सब के ये नष्ट हो गया है। इसलिए ये भागवत ग्रंथ नहीं, बोले तेन अयत वाङ्मयी, भगवान शब्द ब्रह्म रूप में हैं, शब्द ब्रह्म रूप में भगवान ये भागवत ग्रंथ रूप में कलयुग में प्रकट हुए। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी अपना हिंदी पुस्तकाचन तो बांगाली मायरा मनाओ जो किसी में जो माया चिंता बसे आज है बोले से उन्हीं बोले से की बोले से ने बाबा नाजन आज बांगला बोले एक ना एक तो बांगला बोले से पांच भी बांगला बोले से एक ने एक ने बोले से ये भागवत पत्थर ऐसा दुर्गा बता बल ये भागवत स्वर्ग के देवता रूप में जन्म मिले हो तादर भाग्य की भागवत कथा सुनार सौभाग्य है ना। एकने जब हम श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के भागवत कथा सुनाते जाते, स्वर्ग तक 33 कोटि देवता संपूर्ण अमृत कलश अंगे धारण किए लो। बोले हे परीक्षित लो ये पूरा के पूरा ये अमृत कलश अंगे ना अपनी इधर पान करो, अपने अमृत के प्राप्त करिए। किंतु एक ये भागवत कथा हे सुखदेव गोस्वामी सुनाते जाते हमारे एक तो एक भागवत कथा सुनिए। किंतु श्री सुखदेव गोस्वामी तादर के ताड़ी भी लेने देवता तेरे की, बोले तुम्हारा ये भागवत कथा सुनार अधिकार तुम्हारे नहीं, तुम्हारा होगा अत्यंत स्वार्थी तब तुम्हारा। बोले को काच को मरीज महान ये भागवत ग्रंथ में ये साक्षात भगवान कृष्ण के ऐसे भागवते द्वादश खंडा आचे कत खंडा आचे 12 खंडा आचे भागवते। प्रथम द्वितीय स्कंद हल गोविंद चरण, तृतीय चतुर्थ स्कंद हल भगवान ने तुम्हें गुरु, पंचम स्कंद हल भगवान ने नाभि कथन, षष्ठ सप्तम स्कंद हल भगवान ने तुम्हें हाथ, नवम स्कंद हल अष्टम स्कंद हल भगवान ने वक्ष स्थल, नवम स्कंद हल भगवान के कंठ, दशम स्कंद हल गोविंद ने मुखार बिंद, एकादश स्कंद हल भगवान ने ललाट और द्वादश स्कंद हल गोविंद ने माथा। अतः ये श्रीमद् भागवत नहीं, बल्कि इन्हीं स्वयं कृष्ण तिनी कलयुग के जीव के कल्याण कराते तिनी ये भागवत ग्रंथ रूप तिनी आसे। एकने जखन श्रीमान चैतन्य महाप्रभु रुचि परीक्षा है, जखन प्रभुपाद ने रुचि परीक्षा जानि तो जखन छले के हमागुरु दीता आरंभ करना विभिन्न प्रकार से खाने जिनिस रेखे दी है रेखे ओ छलेटा के छेड़े दिया है तिनी ये जे जिनिसटा के धारणा करे
তা থেকে বোঝা যায় এর ভবিষ্যৎ কি হবে। মহাপ্রভু প্রভুপাদ তিনি তাকে ধারণ করলেন শ্রীমদ ভাগবত গ্রন্থকে আলিঙ্গন করলেন, এই জন্য বুঝতে পারলেন একদিকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সম্পূর্ণ পৃথিবীতে এই ভাগবত ধর্ম প্রচার করবে। এখানে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি বুঝতে পারলেন আমার ছেলে যে প্রভুপাদ একদিন এই ভাগবত গ্রন্থকে সম্পূর্ণ পৃথিবীতে এই ভাগবত ধর্ম এই ছেলেটি প্রচার করবে। হ্যাঁ, এই জন্যে মহাপ্রভু বললেন এই ভাগবত গ্রন্থ হল সাক্ষাৎ ভগবান কৃষ্ণের স্বরূপ। এই জন্য এখানে শিক্ষা দিচ্ছে স্বর্গতে দেবতা রূপে জন্মগ্রহণ করলেও সেখানে এই ভাগবত কথা শুনতে পারে না। মানে কি? মানে হলো যারা এই ভাগবত কথা শ্রবণ করছে আমরা হলাম দেবতাদের থেকেও যাতা পুণ্যাত্মা আমরা, কেন এখানে বসে আমরা শ্রীমদ ভাগবত কথা শ্রবণ করছি। একবার ভাগবত কথা যাই দিই, শ্রীমদ ভাগবত কথা আপনাকে মুখ খুলছে না ঝগড়া হবে না, এই বেলা তো বই পড়াতে পারা যায় না, কারণ আপনারা জয় দিয়েছেন আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। বল না জয় দিলে জয় হবে, জয় দিলে জয় হবে, যে যত জোরে ঠাকুরের জয় দিবে সে তত জয় প্রাপ্ত হবে। এখানে জোর করে শ্রীমদ ভাগবত কথা অমৃত এইবার মনে হচ্ছে ভাগবত কথা হচ্ছে এবার। এই জন্য এখানে বলছে স্বর্গেতে দেবতা রূপে জন্ম নিলে সেখানে ভাগবত নেই, বলে স্বর্গের কথা ছেড়ে দিই, বলে স্বর্গে সত্যেচ কৈলাসে বৈকুণ্ঠে নাস্তেয়ম রস, বলে ইয়ে সৌভাগ্য ব্রহ্মলোকে সেখানে জন্ম গ্রহণ করলেও সেখানেও কথা পাওয়া যায় না। তারপরে গোস্বামী তুলসীদাস তিনি বলছে, হ্যাঁ বলে কথা হে তবে ভাবনা বিহাই ভাগবত কথা
ભાગવત કથા શ્રવણ કરાવજને આસે એકને શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામી બોલને કરીતી યે બ્રહ્મ લોકયો કથા સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત હૈના ભલે બ્રહ્મ લોકરે કથા તમે છેડતા ભલે કૈલાસે નાસ્તે મસહ ભલે કૈલાસે હો કૈલાસ નહીં કૈલાસે હો એ ભાગવત કથા નહીં હે એજને દિલ્હી ગોસ્વામી બોલશે એક બાર કૃપયા જીવ માહી શંભુ ગયે કો ભજ હી સિવાય એક સમય તૃતીયા જીવે જખન શિવેર ઈચ્છા હલો આમે એક ભાગવત કથા શ્રવણ કરું તેવી કરલે તેવી કૈલાસે છેડતની એ મધ્ય જગત કુસાય નર્મદા નદી કિનારે અગસ્ત ઋષિ આશ્રમ જખન શિવેર પાર્વતી ઈચ્છા હે અમર એકટુ ભગવાન ની કથા સુનવો તેની કૈલાસ પરિત્યાગ કરતી એ જગત આશ્રમ દેખો એકાને મા શિક્ષા દીચે કથા સુનતે ગેલે ના એકા ક્યાં જે જકલ જાવે તેથી માયા આસે દાદા દરની આસે આજે દાદા આસે ના માયા દરની આસે એકા કથા સુનતે જતે ને બોલે કે ના એકા કને જે આપના આપને બાંગ્લા બુઝતે પાસે તો આ આ આપ લોગ સમજ રહે ના સમજ રહે ના આપ બીચ બીચ મે હિન્દી ભી બોલો હા હા થોડા થી પૂરા બોલો હરે કૃષ્ણ હે હરે हम दोनों ही क्यों कथा सुनने के लिए आए बोले कारण बताए जो व्यक्ति आप लोग देखना 7 दिन के बाद में ना आपका हृदय संपूर्ण परिवर्तन हो जाए क्योंकि भागवत कथा से हम स्वयं भागवत बन जाएंगे ये भागवत कथा से हमें पता चलेगा ये मानव शरीर कितने दुर्लभ है स्वयं राम अयोध्या वासियों को बैठा करके समझाते हैं बोले ये अयोध्या वासियों की जो मानव शरीर क्या है वो कहते हैं बोले बड़े भाग मानव शरीर तन पावा मतलब 84 लाख जोनि ने एक ही जीवन भगवान दिया एक ही जीवा दिया जिस जीवा से प्रभु का नाम ले सकते राम राम कृष्ण 84 लाख जोनि ने किसी को बोलो कृष्ण कृष्ण राम राम बोले कोई बोल सकते हैं क्या नहीं केवल दो ही प्राण दिए जिस काम से हम भगवत कथा सुनते हैं दो ही आंख दिए जो प्रभु का दर्शन कर सकते हैं दो प्यार दिए जो घर से यहाँ तक चल करके सत्संग में आए इसलिए ये मानव शरीर नहीं ये मुक्ति की धाम है ये मानव शरीर लेकिन पाए न जय परम लोक सवारा जिनको भगवान ने ये मानव शरीर कर दिया लेकिन गद्दे कुत्ते जैसे खा पी करके जीवन जो गवा दिया तो तीसरे लाइन में कहते सब आत्मा हमें गति जाई
तो ये आत्महत्या है। अगर ये मानव शरीर 7 दिन के बाद में आप देखोगे संपूर्ण आप लोग बदल कर ये देखोगे, गले में कंठी माला क्रिया सब बजना लेकर भजन करना शुरू करते हैं। 7 दिन के बाद में आप जिस रूप में देख रहे हैं ना, आपका रूप संपूर्ण बदला हुआ शरीर दिखेगा। प्रश्न है आप दोनों कथा सुनने क्यों जा रहे, पति पत्नी क्यों जा रहे? अगर एक बोला पत्नियां आएगी कथा सुनने के लिए 7 दिन के बाद में अगर माला लेकर कंठी पहन करके तिलक लगा कर हरिनाम करना, अगर पति नहीं आई ना पति क्या बोलेगा, कौन सा बाबा जी की चक्कर में तू पड़ गई, पहले तो बोलते थे सिनेमा में ले चलो घूमने ले चलो, अभी बोलते गौरी मठ में चलो, अभी तो कोई बात नहीं करते हो सत्संग में चलो प्रभु का कीर्तन करके सत्संग में जाए। फिर भाई लोग परेशानी होगी, अगर भाई लोग अगर कथा सुनने के लिए आए, अगर पत्नी अगर कथा सुनने नहीं आए, अरे 7 दिन के बाद ये भी बदलते हुए दिखेगी, कंठी माला तिलक लेकर हरिनाम करते हुए दिखेंगे। हाँ जब जब इच्छा होगी तब आप फिर पत्नी क्यों, उनको पता चलेगा अगर ये मानव शरीर चूक गया जब फिर भगवान और मानव शरीर नहीं देगी, फिर तो ये गति टूटे होकर भटकते हुए घूमते रहो। इसलिए अगर भाई लोग अगर आए, अगर इनको अगर पता चले ये मानव शरीर नहीं, ये साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, फिर क्या करेंगे, आप भी भजन करना शुरू कर दोगे, फिर पत्नियां वो भी नाराज होगी, लेकिन इसकी संत की चक्कर में तुम पड़ गए हो, जब देखो गीता भागवत लेकर बैठ जाते हो, हमें घुमाने नहीं ले जाते हो, है काम करना नहीं पड़ेगा तो संसार कैसे चलेगा। लेकिन अगर दोनों अगर कथा सुनने के लिए आए तो फिर दोनों का हृदय परिवर्तन होगा, बोले भैया चल 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 जल्दी काम खत्म करना, आज भागवत कथा हो रही है, चलो हम दोनों मिल करके कथा सुनने के लिए चलते हैं, आज चलो घर में बैठकर कर कीर्तन करेंगे, घर में थोड़ा सत्संग करेंगे। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं कथा सुनने के लिए अकेले नहीं आनी चाहिए, कथा सुनने के लिए दोनों आनी चाहिए। घुस्त बात चल तो एक शिक्षा दीजिए, कथा सुनते एकाश बना दादा अरे मायदेव नहीं आसवे और मायरा है दादा दे रहे नहीं आसवे ठीक है ना। यदि दू जन जो कथा सुनते आसे तो दू जन बुझते बारे में ये मानव शरीर की महत्व आसे क्यों ये मानव शरीर भगवान आमादर दिए से तब हम समय को नष्ट कर देना तब हम दू जन को दिन से जाए तो हमें लगी जाए। आज यदि एक जन आसे ना अपना ज्ञान यदि मायरा आसे यदि सुने यदि भजन करते आरम्भ करे पति की कर ब्रह्मास्त्र से आता करवे ना चुनकी ऐसे मास्टर छेड़ दिए जो ऐसे की धर्म कर्म चाहे ना मास्टर कहा जावे ना खबरदार ऐसे माला तिलक आवर बाटी चल जाना उसे वह चल जाओ। आज ये दादा रहा से यदि एरा भजन करे मायरा हो सही कौन भावे दादा भजन करते भी बना कि तो दूज मने ले किया है दूज मने मिले तो ना गोविंद रे बंदे से बोले निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी गौर बोले किसी ना मांगा दूसरों के हम नागरी ना से एक ने एकाने से सुखदेव गोस्वामी बोलते पर कि एक ये श्रीमद् भागवत कथा ये स्वर्ग हो नहीं ये ब्रह्म लोक हो नहीं ये कैलास लोक हो पाओ जा नहीं लेकिन यहाँ तक भी कहते वैकुंठ के पास तय हो रहा है। अरे वैकुंठ में भी ये भागवत कथा नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में कहते हैं देखो क्या कहते हैं बोले गाय गरुड़ जहाँ बस ए भोसो गाय जहाँ बस ए भोसो गाय I'm
Yeah.
यदि सिनेमा देखते देखते है ना घर के काज वाला 5 घंटा तो 2 घंटा तक पर घर के काज करो ओखान से 3 घंटा देर करो आर ओखान के सिनेमा की मिथ्या एक जिनिस झूठा एक जिनिस उस ओटा के रूपक दिए दिए सिनेमा सब सत्य ना मिथ्या एक आर देखाने असली जिनिस देखाने आर ओखान यदि लाइन आधा घंटा आगे आसो लाइन खराब हो आज यदि टिकट ना पाओ जाए ना सब तक खराब यदि सिनेमा है फिर दूसरे टिकट पाओ जाएगा तो ब्लाक में टिकट घर किनबो आज 3-3 घंटा बसे टाका दिए डर कर रास्ता के खाली कर दिए आज यदि पत्तो से खाने बहाना बाजी से खाने आवे हैं कि तू खराब का दे तो बहाना बाजी भी हमें हां हैं एकर तो हम पार्वती बोल से प्रभु तबे ये कथा सुनते तारा ये कथा सुनते आस्ते बारे तब सी ठाकुर बोल से बोले अति हरी कृपा जा परमोही 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 जिसको ऊपर में ठाकुर का विशेष कृपा हो वो ठाकुर जग गया है उदाहरण दे रहे हैं जैसे आपका घर में कोई उत्सव हो रहा है शादी नहीं तो बच्चे का सालर है बर्थडे मना रहे हो आप बताओ वहां पर कौन आएगा आप जिसको निमंत्रण दो आप जिसको निमंत्रण दो वही केवल आ सकता सभी नहीं आएंगे आपका घर को पास में 9 इंच दीवार उसको पास में कोई व्यक्ति अगर आप उसको निमंत्रण में मत दो वो नहीं आएगा लेकिन अगर 1000 किलोमीटर दूर में कोई हो अगर आप वहाँ निमंत्रण दिया तो कितना वो आपका घर में आएगा लेकिन घर के पास में एक व्यक्ति अगर निमंत्रण मत दो वो नहीं आएगा इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती ये भागवत कथा रूपी उत्सव में वही आ सकते हैं ठाकुर जी को निमंत्रण दिया ठाकुर जिसको निमंत्रण कार्ड भेजे अभी तो फोन करते थे ना हेलो अभी तो फोन कर देते हैं मतलब है ठाकुर जिसको फोन करके बुलाया ना वही व्यक्ति ही कथा में आ सकते बुझते बात है हां अपना बाड़ी तो हम उत्सव हो से कर के आसबे सबै आसबे ना आपने जाने निमंत्रण दिबे तिनी आसबे अपने घर के पास रे घरे आछे कि तू यदि अपने निमंत्रण ना दे वो आसबे ना 1000 किलोमीटर के वास्ते यदि निमंत्रण दे तो ओखान तक आसबे एतने भागवत कथा रूपी उत्सव के आस्ते वाले भगवान जाके देखे थे दूसरा उदाहरण देते हैं जैसे कृष्ण बंसी बटोर में से बंसी लेता है कृष्ण जब बंसी ध्वनि की लेकिन ब्रज में तो बहुत सारे भक्त थे उनका सत्य रस के वात्सल्य रस के मधुर रस के वहां पर सारे ब्रजवासी थे लेकिन जब कृष्ण बंसी बटोर में से बंसी बजाए सब ने आए और बंसुरी की आवाज सभी कान में नहीं पड़ी किसको कान में पड़ी बताओ किसको कान में पड़ी केवल गोपियों को कान में पड़ी बंसुरी की आवाज इसलिए केवल बंसुरी में केवल वहां पर गोपी आ गया सब नहीं आई इसलिए भागवत रूपी बंसुरी कन्या तो बजाए लेकिन कौन 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 आए बोले जिन गोपियों को कान में बंसुरी की आवाज पड़ी ना बंसुरी की आवाज पड़ी है केवल वो ही लोग ही कथा में आए सबकी कान में बंसुरी की आवाज नहीं पड़ी इसलिए यहाँ पर जो आए ना कन्या की बंसुरी अब सबकी कान में बंसुरी की आवाज पड़ी
इसलिए समझो आप लोग बड़े सौभाग्यवान हो। इसलिए कृष्ण केवल दो बार उन्होंने स्वागत शब्द प्रयोग किया। कितना बार किया? कृष्ण केवल स्वागत शब्द तेरे दुई बार केवल स्वागत शब्द प्रयोग करते हैं। देखो हम हिंदी में हालो बोलते हैं, बांग्ला ना ये तो बहुत बार देखते हैं, लेकिन बांग्ला में आया आज एक ने कृष्ण तिनी केवल दुई बार तिनी स्वागत शब्द प्रयोग करते हैं। कपर जब हम तिनी बंसी बैठे नीचे तो हम बंसी बोले करे, जब हम गोपिया से कहना आसे ना कृष्ण बोले स्वागत हमें महाराज, कृष्ण तादरे के स्वागत करते हैं। तुम्हारा सौभाग्यवान तुम्हारा केना ए रास रूपी महोत्सव ते तुम्हारा एखने रास रूपी महोत्सव तुम्हारा कैसे छ एजने तिनी तादरे कृष्ण स्वागत करते हैं। आर का कण तिनी स्वागत करते हैं। कृष्ण जखन भोजन करते गिए छे सखरा बोल गोपाल खूब खेदे लगे छे खावा गार की व्यवस्था कर गए बोले जाओ एखने ब्राह्मण रात यज्ञ करछे अरे अमर नाम दिबे তখন খাওয়ার দিবে। কিন্তু যখন গিয়েছে না ওদের কথা শুনেও শুনিনি, বলে গোপাল তুমি বললে তোমার নাম নিলে ওরা খাওয়া দিবে, আর তোমার নাম তো বললাম ওরা তখন ভুখে কি করলো না। তখন কৃষ্ণ বললে দেখো তাদের যে স্ত্রীরা আছে না ওরা আমার খুব ভক্ত, তুমি ওদের কাছে যাও। বলে না ত্রিবেদী চতুর্বেদী দ্বিবেদী হ্যাঁ এত শাস্ত্র পড়েছে এত জ্ঞানী এরাই তোমাকে বুঝতে পারলো না যে স্ত্রীদের উপর নাই না সংস্কার হয় না তার বেদে অধিকার নেই তাদের পয়তা হয় না আর ওরা তোমাকে খাওয়াবে। কৃষ্ণ বলছে দেখো কি ভক্তি এইরকম একটি জিনিস তার উপর ভক্তি নির্ভর করে না, ভক্তি হলো স্বতন্ত্র, ভক্তি হলো স্বতন্ত্র সর্বতত্র স্বতন্ত্র ও নির্ভর করে না। তোমার মধ্যে এত বিদ্বানতা থাকলে পরে ভক্তি হবে সেটা নির্ভর করে না, ভক্তি কেবল সরলতা উপর নির্ভর করে। যাও তাদের যে পত্নী দাদা আমার খুব ভক্ত এখন সত্যি সত্যি যখন এসছে না ওরা দূর থেকে শুনতে দিয়েছে ওরা হাতে তো কাজ করছে আর মুখে কি করছে। বলে জয় রাধা মাধব জয়া কুঞ্জ বিহারি জয় রাধা Bye.
को कन्हैया सही बता रहा था, देखो इस सबके सब कीर्तन कर रहे हैं। जब जा करके बताया कृष्ण बलराम पास में आए हुए, वो भूखे हैं, जितने यज्ञ करिए लड्डू कचोरी मालपुआ और इतने सब छाना डालना पुष्पा मवानी चलो सब ये दौड़ा तैयार में कर लो है गोपा गोविंद के खावा वाले ने सब ये दौड़ा तैयार में कर लो। एक ना कोई जा करके ब्राह्मण को बोल दिए कि तुम लोग यज्ञ के लिए जितने बढ़िया बढ़िया खाना बनाया था ना ये तो कृष्ण के लिए ले जा रहे हैं, वो तो सबके सब चोटी खड़े करके भगे पास चोटी टिक्की खड़ा कर दौड़ा से बोले बुताई आज घर तक घर तक बाहर ही गए ना घर ढूंढते थे ना फेंक फेंके थे वो बोले तुम्हारे कोड़ा मुख तुम्हारे घर ही आ सकता तो गोविंद के काश जाओ जखन हो रहा है ना तखन भगवान के स्वागत हो में महाभाषा तखन कृष्ण का स्वागत कर हैं एखने ये अर्थ हलो যারা এই ভগবত কথায় আসে দেখুন আপনাদের বাড়িতেও অনেক কাজ আছে কিন্তু তার বাড়িতে কাজ নেই ছেলে মেয়ে বউ মা সব অনেক কিন্তু আপনারা সমস্ত বাধা বিপত্তিকে পিছনে রেখে যে ভাগবত কথা এসছে যারা এসছেন না ঠাকুর তাদেরকে স্বাগত করছে ভগবান তাদেরকে স্বাগত করছে তোমার অনেক সৌভাগ্যবান ঘরের সম্পূর্ণ সমস্ত জঞ্জালকে দূর করে দিয়ে আপনারা এই গোবিন্দের কথা শুনতে এসেছে বুঝতে পারলেন তো এই জন্য আপনারা অনেক সৌভাগ্যবান বলে শ্রীমদ ভাগবত কথা বৃন্দা মুখি জোর সে জয়কার দিন বলে শ্রীমদ ভাগবত কথা বৃন্দা মুখি জয় জয় শ্রী রাধে নিতাই গৌর ব্রহ্মানন্দে হরি হরি বল নিতাই গৌর ব্রহ্মানন্দ এখানে প্রশ্ন হচ্ছে বলে ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবান কৃষ্ণ যে ভগবান সপ্ত ব্রহ্মময় মূর্তি এখানে ভগবানের আট প্রকার মূর্তি বলা হয় কত প্রকার আট প্রকার একটি হলো মনময়ী আমরা যে মনের বক্তাকে স্মরণ করি একটি হলো ছবির মধ্যে যে আচার আছে হ্যাঁ তৃতীয় জন যেরকম আমাদের ঠাকুর মন্দিরে আছে পাথর দিয়ে বানানো আছে কখনো কখনো অষ্ট ধাতুতে বানানো হয় হ্যাঁ কখনো কখনো মাটিতে কখনো কখনো দেখবেন বালু দিয়ে বানানো হয় পাথর দিয়ে এরকমভাবে সেখানে আট প্রকার মূর্তির কথা বলা হয়েছে বলে ভাগবত কি বলে এটা হলো সপ্ত ব্রহ্ম অক্ষর আত্মরূপে যেরকম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে যেরকম অক্ষর রূপে সেরকম ভাবে এই ভাগবত হলো ব্রহ্ম সপ্ত ব্রহ্ম রূপে তিনি জীবের কল্যাণ যেন ভাগবত রূপে এসেছে এই জন্য এখানে দুই পুরাণতে এর মহিমা আসেছে একটি পদ্ম পুরাণ একটি স্কন্দ পুরাণ চেষ্টা করব দুই পুরাণের কথা একটু একটু শোনার জন্য বলে সচিদানন্দ রূপায় বিশ্ব উৎপত্তি হেতবে তাপত্রায় বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় ভয়ম যখন শ্রী সুখদেব গোস্বামী তিনি এই পদ্ম পুরাণের মহিমা বলতে যাচ্ছেন কৃষ্ণের কথার মহিমা এখানে তিনি ভগবানকে তিনি প্রণাম করছেন বলে তাকে প্রণাম করছেন বলে শ্রীকৃষ্ণায় বলে কেবল কৃষ্ণকে তিনি প্রণাম করছেন না বলে শ্রী কৃষ্ণ শ্রী মানে শ্রীয়া ভগবানকে যে সৌন্দর্য যে স্বরূপ শক্তি লাগিনী শক্তি পরাশক্তি শ্রীমতী রাধা রাণী কো সাথ মে কৃষ্ণ কো প্রণাম इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अकेला माधव पूज स्व अज्ञानी राधा अनादर करे अभिमान एक शिक्षा दीचे एका कृष्ण भजन करते अकेले कृष्ण की पूजा नहीं करनी चाहिए राधा कृष्ण को भक्ति करनी चाहिए क्योंकि वो दो नहीं हो एक है बोले जापि राधा सापि कृष्ण जा राधा कृष्ण एव स एक ज्योतिर्विधा वृंदम
राधा माधव स्वरूपम, कहते जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा। केवल लीला करने के लिए उनको दो रूप में बना सकोगे। उदाहरण दिया जैसे एक दिया, जैसे यहाँ पर तेल है लेकिन दो दिया जल रहे हैं, लेकिन तेल एक ही है लेकिन इसमें दो दिया है, दो दिया। जैसे कमल का फूल एक नार है, एक जड़ है, लेकिन एक जड़ से दो कमल फूल जैसे निकली, एक राधा और एक कृष्ण, ये कोई अलग नहीं, वो एक ही है। केवल लीला विलास करने के लिए एक स्वरूप से लीला नहीं होती है, इसलिए लीला करने के लिए बोलो दो मिले। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं अकेले कृष्ण पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमारे एक बहुत बड़ा कोई विद्वान था वृंदावन में, उसने एक सुंदर पद को लिखा, मैं तो श्याम रंग में रंगी, अर्थ और लतनी बोले हमी तो कृष्ण भक्ति रस हमें डूबे दिए। कोई सुंदर एक पद छो এখানে বৃন্দাবনে বড় বড় ভক্তদের কাছে গিয়েছে, শক্তিশালী পদটা কৃষ্ণ ভক্তিরূপী পদ ছিল, আর সবাই শুনে তো বলে কি সুন্দর পদ লিখেছে। কিন্তু যখন ওই পদটি জীব গোস্বামীর কাছে এসেছে, তখন জীব গোস্বামী তিনি আনসার একটি শ্লোকের দিকে তিনি আনসার পাঠিয়ে দিয়েছেন, ওইটা হলো শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামীর, এটা হলো পদ বলে অনারাধ্য রাধা পদা ভোজনেনু अनाश्रित वृंदा बनम तद अटवी असंभास तद भाव गंभीर चिंता उतः श्याम सिंधु रस श्याम। अर्थ हलो ओ तुम्ही बोलचे कृष्ण भक्ति रस डूबे दिए छ, ए तो सहज नहीं कृष्ण भक्ति रस डूबा। तुम यदि कृष्ण भक्ति रस डूबते चाहो ना, प्रथमे तुम्हारे तीन वस्तु के ग्रहण करता है, তখন সেই কৃষ্ণ ভক্তি পাবে, তো কৃষ্ণ কৃষ্ণ বললে কৃষ্ণ পাবে না, ও কৃষ্ণ যেরকম তিন জায়গায় বাঁকা না, ও ভক্তিটাও বাঁকা। ও কৃষ্ণ নাম দেখুন কৃষ্ণ, যে পরে যদি জীবনটা তিনবার পাল্টে না যাচ্ছে, ও কৃষ্ণ নামই উচ্চারণ হবে না। এই জন্যে ইসলিয়ে হিন্দির এই ভজনে তো টেড়ো তেরি টেড়ি নজরিয়া গোকুল তেরি টেড়ি যমুনা তেরো টেড়ো তেরে তেরো তেরি যশোদা গো করিয়া তো তেরো তেরি তেরি। যে ভজন মধ্যে বলছে কৃষ্ণ বাঁকা বৃন্দাবন গিয়েছে, কৃষ্ণ তিন জায়গায় বাঁকা, দেখবেন বৃন্দাবন গলিগুলো বাঁকা, যমুনা বাঁকা, দেখবেন সব বাঁকা বাঁকা, হ্যাঁ কৃষ্ণের সব বাঁকা। কিন্তু ওই বাঁকাকে পেতে গেলে না ওকে কে ঠিক করতে পারবে, বলে রাধা রানী ঠিক করতে পারবে, তাকে আর কেউ ঠিক করতে পারবে না, বাঁকাকে রাধা রানী ঠিক করতে পারবে। এই জন্য বলছে ওই কৃষ্ণকে পেতে গেলে তোমাকে প্রথমে তিনটি বস্তু দরকার আছে, বলে অনারাধ্য রাধা পয়া মোহেনো, যে পর্যন্ত যদি তুমি সেই রাধা রানী চরণ ধূলিকে আশ্রয় গ্রহণ না করো। আর দ্বিতীয় বস্তু হলো রাধা রানীর দ্বারা অঙ্কিত শ্রী বৃন্দাবন ধামকে যদি আশ্রয় না করো। আর সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু হলো রাধা রানী প্রেম রসে, যে ভক্ত ডুবে আছে যে পর্যন্ত তার চরণকে তুমি আশ্রয় গ্রহণ না করো, তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কৃষ্ণকে চিন্তা পারবে না, তাকে পেতে গেলে প্রথমে তুমি রাধা রানীর চরণ রাধা রানীর ভক্তের আশ্রয় তোমাকে নিতেই হবে। হ্যাঁ এই জন্য আমাদের সম্প্রদায়ের নাম কি বলুন তো, বলো আমাদের সম্প্রদায়ের নাম ব্রহ্মমাধব গৌড়ীয় সম্প্রদায়। গৌড়ীয় মানে কি, গৌড়ীয় এক অর্থ হলো রাধা রানী হলেন গৌরী, রাধা রানী গৌরী, বিশেষ করে আমরা হলাম শ্রী রাধা রানীর উপাসক। এই জন্য কৃষ্ণের ডাইরেক্ট আমরা উপাসনা করি না, রাধা রানীর আনুগত্যে। আর আমাদের গুরুদেবকে রাধা রানী তিনি হলেন একটি প্রিয় দাসী, হ্যাঁ এই জন্য রাধা রানীর কৃপা হলে তখন সেই গোবিন্দের কৃপা হবে। এই জন্য বৃন্দাবনে গেলে দেখবেন কেউ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে না, কি বলে জোর করে কেউ বলছে, আর জোর করে বলছে। এই জন্য বৃন্দাবনে সবাই শ্রী রাধা রানীর নাম গ্রহণ করে। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণায় বয়ম, অর্থ হলো আমরা সবাই সেই রাধা গোবিন্দের চরণে আমরা প্রণাম করি। এখানে যে নাম শব্দ হলো প্রণাম, নাম শব্দ হলো শরণাগত, হ্যাঁ যদি তার চরণে শরণাগত হলে তোর কি হবে, তাহলে তুমি ছয়টি বস্তু পেতে পারবে,
प्रथम की बोले सचिदानंद रूपाय भगवान स्वरूप सचित आनंद स्वरूप भगवान एने तिने सचित आनंद हवा जरूर देखबे ने हमारा सवाल से तीन दी वस्तु तो कहते जाए बोले भगवान हमने सत्य स्वरूप अपना के बुढ़ो बुढ़ी होते चाहते हो क्या बुढ़ो बुढ़ी होते चाहते यदि एक चूल पकी जाए ना बुढ़िए दी हैं आज ये दूध चूल पकी जाए आज ये पूरा चूल तो ब्राउन कर दे कलर एनी लागे हैं एक ये ब्यूटी पार्लर के में जाए चबन क्लास के में खाए बुढ़ो बुढ़िया हमारा होगा ना बोले केना हमारा बुढ़ो बुढ़ी होते चाहिए ना भगवान बोले नव किशोर ने तो अतः यदि अपना ईश्वर ईश्वरी होते चाहती करता रे तब चाहिए तीन वाले ज्ञान स्वरूप लेकिन हमारा क्यों मूर्ख होते चाहिए एमबीए पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर बनते चाहिए यदि एक मूर्ख तो बोले कि मूर्ख ना समझ में ले जाओ बोले हमारा माथा नहीं ना तुम्हारे नहीं बुद्धि माने के ना भगवान पूर्ण ज्ञान स्वरूप और भगवान बोले आनंद स्वरूप लेकिन संपूर्ण जीवन से आनंद करते हमारा चेतन लेकिन हमारे ब्रह्म सूत्र प्रथम सूत्र हलो अथात ब्रह्म जिज्ञासा हैं हमारा तो सिर्फ आनंद देते चाहिए किंतु आनंद के न पाई ना बोले जेठाने पावा जाए ना सेठाने ना आगे हमारा गलत जगह ते हैं जेठाने पेता है हमारा अन्य जगह से आनंद पूछती आनंद के जब भगवान तिनी रसो स्वरूप अखिल रसा में तमुर्ति अतः वो तुम्हारे से आनंद देते के लिए से आनंद स्वरूप से गोविंद के चरण देता है एक ने भक्ति में ठाकुर जो कहना अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरणा दो हैं कोई अशोक अभय अमृत को था या छे बोले तार चरण या छे दुनिया ते नहीं कि कोई दुनिया ते ना हमारा सुख होची जिन ये दुनिया ता बानी छे तिनी निजे ही बोल छे दुखालय असाद जी दुनिया ता जिनी बानी छे तिनी निजे बोल छे संसार का वो दुखर घर हर सब वस्तु ल अनित्य कि को हमारा खान घर बानी को चाबर जीरो का लिखन पागो और हमारा खान आनंद बाब जी दुनिया बानी छे बोल छे दुखर घर हां एजने एखाने बोलते सिद्धिष्टाय भयम नो अर्थ ल तुम्ही यदि से अशोक अभय अमृत पेते जा तार चरण जा गोविंद चरण जा बोले ताप त्रय विनाशाय आध्यात्मिक आदि दैवी आदि भौतिक एक जो तीन प्रकार के दुख आछे तखन ये समस्त दुख जावे एजने कृष्ण बोलछे मां उपतु तु कौतय पुनर्जन्म न विद्यते अर्जुन केवल हमारे चरण एले जी संपूर्ण से दुख कष्टते तेरी पार मत करबे हैं बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की प्रभु अनेक समय तक बसिया तो प्रभु के भजन गाए थे तेरी का भलो के भजन गाए थे तेरी गीति भजन गाए थे आज गाए थे ना समय के नाश कर के जो बोलता हमारा के तो आज के बोल चलो हमारा नाश मत नाशते चाल प्रभु एक मिनट भजन बोलवे नाचार कर ठीक है छे तेरे सवाई कोई भजन के सवाई नाश कर गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम की वृंदावन के वृक्ष को दर्शन वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को कि डाल डाल अब पात पात पर श्री राधे राधे कि ब्रज चौरासी कोस में चार काम निज धाम वृंदावन और मधुर पुरी बरसानंद गाम तो आसो वृंदावन कौन कौन जाएंगे कोई नहीं जाएंगे कौन कौन जाएंगे हाथ उठा के बताए अरे वृंदावन कहा जाए मैंने हाथ उठलो बोले भाई लाग से पता नहीं कहां ले जाएंगे
से आनंद नहीं होता। तो सभी लोग वृंदावन जाएंगे। अच्छा वृंदावन में कैसे जाते हैं? अपना वृंदावन गए थे क्या? सबाई गए तो আপনারা গিয়েছেন দেখেছেন হবে ওখানে কত জায়গা থেকে কীর্তন মণ্ডলী আছে আছে কি না বহুত জায়গা সে মণ্ডলী আতি হ্যায় আর আপনি আপনি ভাষা মে গাতে হ্যায় কীর্তন আর নাচতে ভাই পরিক্রমা করতে হ্যায় করতে হ্যায় কি নাই গোবর্ধন মে যাকে দেখিয়ে কেন্দ্রে পরিক্রমা চল রহি হ্যায় নাচতে ভাই কুদতে ভাই তো এখানে আমাদের এই প্রাঙ্গণটাকে সাত দিনের মধ্যে বৃন্দাবন বানাতে হবে তখনই আনন্দ আসবে তো আপনারা যখন তালি বাজাবেন নাচবেন গাইবেন তখনই এই আনন্দটা হবে এটাই বৃন্দাবন হবে তো আসুন সবাই তালি বাজিয়ে গাইবেন একটা বৃন্দাবনের ভজন গাইছি বৃন্দাবন ধামে রটে রাধে রাধে শ্রী বৃন্দাবন ताली बजाना तो दूसरे संत बोले
एक संत दूसरे संत से बोले, क्या बोले, बोले जहां बिल्कुल वहां कहते हैं कि ताली बजाओ, कीर्तन में, कथा में, जागरण में, जहां देखो वही कहते हैं ताली बजाओ। आखिर ताली बजाने से होता क्या है? तो दूसरे संत बोले, भाई कीर्तन में ताली बजाने से पाप निकल जाता है, है? बोले पाप निकल कर जाता तो जाता कहां है, उसको भी तो रहने के लिए जगह चाहिए, जगह चाहिए कि ना? जैसे करी महाराज को चार साल दे दिए परीक्षित, तो इसलिए बाप को भी तो रहने के लिए जगह चाहिए, तो जगह कहां जाते हैं बाप? दूसरे संत बोले कीर्तन में ताली बजाने से पाप निकल जाता है, तो दूसरे संत बोले पाप निकल कर जाता तो जाता है, तो बोले ऐसा है कीर्तन में जो ताली बजाते हैं उनका पाप निकल करके उनके सर पे बैठ जाता है जो ताली नहीं बजाते। समझ में आई? ये ताली बजावे तार पाप का दे दिए माथा घोषे जावे ये ताली बजावे, ठीक है? तो क्यों पाप घोषाते चाहिए कि है? पाप घोषाते चाहिए क्यों? ताले समय ताली बजेगा। और हमारा तो देखा नहीं जाए कीर्तन शुरू और नाचा शुरू तो बांधा तो एक बेसी लज्जा हमें देखी অনেক বলার করে তারপরে মায়েরা হয়েছে নাচতে এই ঝাড়গ্রামে এসেছিলাম কিছুদিন আগে, ও ওখানে যে আনন্দ হলো বাঙালি সবাই সেখানে বলার মতো নয়, সে কীর্তন শুরু আর মায়েরা উঠে নাচ। এখানে আমি আশ্চর্য হলাম, আপনারা রোগী সৎসঙ্গ করেন কিন্তু সৎসঙ্গের যে কি বলে পূর্ব একটু কম দেখছেন আপনারা, একটু ঘুড়ি মাকে দেখুন উনি উঠে নাচেন কি বসে দেখেছেন? তো উনি সৎসঙ্গ করেন, জানেন যে নাচতে কিছু না কিছু পূর্ণ পাওয়া যায়। তো আসুন এই জন্য সবাই একবার দাঁড়িয়ে পড়ে নৃত্য করুন, এই ভজনটা করুন, সবাই বলবেন আর নাচ নৃত্য করবেন, আর যারা নাচ জানে না তারা বসে বসে দাঁড়িয়ে হয়ে যাবে। আর এই চিন্তা Thank you.
और जितने सारे पुण्य सब के सब हल्का होकर के ऊपर उठ गया। फिर ब्रह्मा जी को पता चला ये भागवत कथा के सामने जगत का कोई भी पुण्य भी आप बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि ये भागवत कथा स्वयं भगवान के कृष्ण है, ये सबसे बड़ा पुण्य है श्री भागवत कथा। अब मैं घुसते पढ़ते हैं भागवत कथा भी उसका पुण्य जगत है किसी नहीं। इसने प्रभुपाद के लिए बोल से प्रभुपाद के लिए बोल से यदि एक जीव के जेकोन बाजे भावे बुझिए बुझिए गोविंद करे भजन यदि एक जीव के आपने लागे दिए चलना और कत पुण्य बोले यदि कोई कोटि कोटि हॉस्पिटल खोले दिए कोटि कोटि स्कूल कॉलेज अन्न छत्र खोले दिए ताते जे पुण्य पावे ने पावे यदि एक जीव के प्रभु भजन लागे दिया जाते बारे ताते के कोटि गुण बेसी पुण्य पावे यदि एक जीव के गोविंद करे भजन लागे दिए कितना दान पुण्य कर औसत दिले इतनी बार आवार लोग पड़े खावा ले दो घंटा पर आवार की दे लागे फिर यदि एक बार प्रभु भजन लागे दिए से जत तत्वानि नाना निवर्तन्ते जे गोलोक वृंदावन में गेले आ एखाने फिरे आस्ते हबे ना एजने भागवत कथा पठार द्वारा जीवे हृदय परिवर्तन होय तिनी गोविंद रे भजन तिनी लगे जावे एजने एर मत पुण्य जगत किछु नहीं और भागवत तिनी हमें स्वयं भगवान कृष्ण स्वरूप होने से बात भागवत कथा एजने ब्रह्मा तिनी आदेश दिले आदि तक यही ब्रह्म लोक ते नित्य निरंतर भागवत कथा जप होता है नित्य निरंतर एखाने भागवत कथा आवे बल ये भागवत कथा के नारद तिनी सर्वप्रथम तिनी ब्रह्मा रे पास के तिनी भागवत कथा सुने किंतु ए सात दिन पर्यंत जे कथा तिनी चतुर संग्रह काचे तिनी कथा सुने छे एकर सोनो दादी सिरा प्रश्न करछे बोले केना नारद तिनी सात दिन पर्यंत नियमित भावे केने कथा सुनले तखन सुत गोस्वामी बोलछे एक दिन नारद तिनी सर्वत्र तिनी भ्रमण करे सर्वत्र ब्रह्मलोक सीमलोक सब लोग तिनी भ्रमण करे किंतु माने तिनी आनंद तिनी पान माने तिनी संतोष तिनी हाल तिनी तमन ए मर्त्य जगत तिनी सिते यद्यपि एटा हलो मर्त्य जगत एटा किंतु होले ओ আমাদের যে ভারত না এটা হলো পুণ্যভূমি এজন্য এর নাম হলো ভারত ভারত মানে কি ভা অর্থ হলো প্রকাশ রক্ত মানে যারা সব সময় সেই প্রকাশ দিকে রাখা আছে প্রভুর ভক্তি দিকে যারা আছে এজন্য যত পবিত্র নদী উঠায় গঙ্গা যমুনা সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু কাবেরী কি বিদেশে আছে না ভারতে আছে ভারতে আছে अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अयोध्या उठाया बैठा भारत बाबू है चार धाम केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री उठाए बाबे भारत बाबे जब तो बड़ा बड़ा साधु उठाए जन्म ग्रहण करके भारत भगवान ने अवतार कृष्ण को उठाए जन्म नीचे भारत राम को उठाए नृसिंहदेव सब भारत है भारत के ना पुण्य भूमि बोला भारत के ही पुण्य भूमि बोला आर ये भारत वर्ष गोविंद भजन एजने एकादश स्कंधे देवता रो पर्यंत भगवान रे का प्रार्थना करे बोले हे प्रभु आमा के भारत भूमि ते हिंदू करे धारे हमें जन्म दी एजने हिंदू घरे भारत भूमि ते जन्म अवा को साधारण तथा नाही बहु भाग्य जन्म है एकान तिनी ए मर्त्य जगत के पुण्य भूमि तिनी कर मन कर तिनी ऐसे छे কিন্তু তিনি কোথায় তিনি শান্তি পেলেন না এখানে তিনি ভ্রমণ করতে করতে তিনি চিন্তা করলেন চলে একটু বৃন্দাবন যায় কেন বৃন্দাবন হলো নাম কি বৃন্দাবন বৃন্দাবন মানে কি এক হলো বৃন্দা মানে তুলসী বন মানে যেখানে তুলসী জন বৃন্দা মানে ভক্ত বৃন্দ অবন মানে যে ভক্তরা বৃন্দাবনে ভজন করতে আসে বৃন্দাবন তাকে আশ্রয় গ্রহণ আশ্রয় দিয়ে আর তিনি মহাপ্রভু তিনি কি বলছেন আনে হৃদয় মন মোর মন বৃন্দাবন এজন্য রাধা রানী বৃন্দাবন কি বলে এটা হলো রাধা রানীর হৃদয়টা হলো বৃন্দাবন তিনি গোবিন্দ সেবা অর্জনে নিজে হৃদয় থাকতে বাঁচা চিন্তা কার ওকে বলে দিয়ে রাখবে এজন্য রাধা রানী তিনি নিজের হৃদয়টিকে তিনি
गोविंद सेवार जनतनी ए वृंदावन धाम रूपे नी प्रकाश कर छे ए जने वृंदावन होलो दिव्य भूमि ए वृंदावन ए जने आमद रसखान के लेके कविता लिखे छे बल्कि तीरथ सुता के पग पग में प्रयाग जहां केसर के तेली कुंज कोटि कोटि काशी है भले कोपिनी के द्वार पे है बसत है हरिद्वार बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है भले स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करे के किया जानते नहीं है कि हम श्री वृंदावन वास अपना गुस्तवार ले रसखान तेरी बोल छे हैं तेरी बोल छे किरत सुता के पग पग में प्रयाग जा माने वृंदावन के धाम रे कथा तेरी बोल छे जेखाने राधा रानी जेखाने की बाचना का कोलोनी बस तक तक पीछे छेड़ दे भारत रे खाने बस चुप कर मुख आपन ले एजने खाने बोल छे किरत सुता के पग पग में प्रयाग जा अर्थ होलो राधा रानी जेखाने चरण बोले हैं किरत पग पग में प्रयाग प्रयाग का के बोला छे जेखाने गंगा जमुना सरस्वती तीन तीन नदी जेखाने बोले छे जेखाने प्रयाग सर्वश्रेष्ठ बोले से प्रयाग होता है बोले राधा रानी चरण में रहनी चाहिए हैं केसव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है जेखाने राधा गोविंद जी पूजन मध्य विलास करे जेखाने कोटि कोटि काशे निवास बोले केसव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है गोपिनी के द्वार पे बसत है हरिद्वार बोले गोविंद जी के द्वार आज इसका नहीं हरिद्वार निवास और बद्री केदारनाथ बसत दास दास की बद्रीनाथ केदारनाथ जिनका दास दास की ऐसे बोले स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या बोले स्वर्ग मुक्ति हमारे दरबार में ही हमारा तो सिर्फ वृंदावन वास है माने जरा वृंदावन धाम वास करे तेरी महिमा अनेक महिमा का है ऐसे तेरी नारद तेरी देखले वृंदावन धाम और राधा ने दे हैं जगह सुंदर जमुना कल्पना सेखने प्रभावित हो जी ये जमुना नहीं बोले चिदानंद भानु सदानंद सुनो राधा गोविंद रे प्रेम जखन द्रवीभूत होए तेरी जखन प्रभावित हो छे शिवले जमुना महारानी अतर तिनी वृंदावन धाम के तिनी पवित्र मन कर तिनी वृंदावन धाम के ऐसे छे जखन तिनी वृंदावन धाम में ऐसे छे तिनी देखले कोई जमुना कुल अनेक लोकरा एकत्रित होई छे मन कर ले बहुत है जे साधु संघ में हो छे बेटा अपने साधु संघ में अनेक लोग एकत्रित हो छे कर सेखाने किए तिने भी आश्चर्य घटना देखे एटी सुंदर एटी युवती से नाच रही छे आर तार बगल ते धूप एकदम वृद्ध हो जाते चूल एकदम फेटी ले छे एकदम चौकते देखते पासे ना तारा बेहोश होई पड़ी आ छे आर किछु सुंदर सुंदर सकिरा कोई माचका ने जेते सुंदरी एका बसिया छे और विभिन्न भावे सेवा कर छे आर कोई जेते सुंदरी तिने खूब प्रणाम कर छे नारद तिने देखे तिने से गाते पाली जेते आरंभ करे तखन ओई जे सुंदरी जी बसे छिलो बोले हे साधु बाबा बहु भाग्य साधु के दर्शन साधारण भाग्य साधु दर्शन पावा जाए ना जखन कोनो साधु दर्शन होए मन करिवे कि हमारे जन्म मृत्यु बंधन हमारे शेष हो जाए बहु भाग्य साधु दर्शन पावा जाए अपनी कृपा कर एले अपन जाचे न दुखाए अपनी एक दाड़ा न उठाए एक रात्रि दाढ़ी गए छे बोले ना अपनी के मैं दुनिया में भूली गए छे बोले ना मन हो छे कुताहे तो आगे देखे छिला কিন্তু আমার ঠিক করে মনে আসে না আপনি কে তোমার তিনি বলেন আহম ভক্তি ইতি খাতা ইম মে তন্নেয় মত আমার নাম হল ভক্তি দেবী এই যে দুটো যে বুড়ো দেখছো না এরা হলো আমার ছেলে নারদ জগতের নিয়ম হল মা হয় বৃদ্ধ আর ছেলে হয় যুবক কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যকে দেখো আমি মা তো যুবক হয়ে আছি আর আমার এই দুটো ছেলে না বুড়ো হয়ে গেছে হ্যাঁ বলে এরকম হলো কি করে বলে উৎপন্না দ্রবিয়ে সাহম বৃদ্ধি করনা টকে গতা কোচি কোচি মহারাষ্ট্রে গুর্জরে জীর্ণতা গতা তোমার তিনি বলছেন ভক্তি দেবী
बोले उत्पन्ना द्रविड़ साहम, बोले द्रविड़ देश में था हमारे जन्म होला, हैं उत्पन्ना द्रविड़ साहम, वृद्धि करना कभी करता, हम ही करना कभी नहीं बोला होला, महाराष्ट्र हो, कुताहे कुताहे हम ही आदर तो पहला, किंतु जब हम अभी एक गुजराती के लाख ना एकदम बुरी है, माने अर्थ बोले अर्थ होला, प्रथमे ये गुजरात अत्यंत नास्तिक देश छिले एजने भक्ति देवे सेखाने बोलछे आमी ओखाने से एकदम वृद्ध होई गेलाम माने आगे बोलछे ए जे गुजरात ना यदि कोनो साधु ओखाने भूल पे चले जाए यदि माथाय तिलक लगाम ताकि बोले बबुला की हेगे दिए सिद्धि सिद्धि दा गलाय यदि के माला पड़े में की पाप कर दो गलाय का हाथ बढ़िया छे आर यदि को टिकी रखे ना हैं बोले का की एरियल ना की तुम्हार এটা কি তোমার এরিয়া এই জন্য যদি কোনো সাধু চলে যায় না সেখানে তাদের আদর ছিল না যে পর যদি তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে না দিয়ে সে পর যদি তাদের রক্ষা হলো না মানে সাধু গুলো দেশ থেকে বের করে দিত তাদের বাড়িতে ভজন নেই কীর্তন নেই কোথায় গোবিন্দের সেবা নেই কোথায় তুলসীর পুজো নেই মানে অত্যধিক নাস্তিক দেশ ছিল এই জন্য ভক্তি দেবী বলছে আমি ওখানে গিয়ে তো আমি হয়ে গেলাম পুরি কিন্তু যখন আমি বৃন্দাবনে এলাম বলে ভক্তির বৃত্তি যাচ্ছে বৃন্দাবনে এসে আমি তো হয়ে গেলাম যুবতী বলে যুবতী কেন হলো বলে বৃন্দাবন হলো ভগবানের লীলাস্থলী বৃন্দাবন সাধারণ ভূমি বৃন্দাবন নয় এই জন্য ব্রহ্মাত্রী কি বলছে बले चिंता मई प्रकार सदमा सुकल्प वृक्ष लक्षा वृत सुरभि रवि पालयंत ब्रह्मा बोलते वृंदावन में जब धूल कणा धूल नए से बोले चिंता वृक्ष नए से कहने पर वृक्ष और कल्प वृक्ष यदि के ओखाना हाटे ना मन अभी सुंदर भाव नृत्य कर छे यदि ओखाने के किछु बोले मन अभी सुंदर तरी भजन गाय छे कीर्तन कर छे সেখানকার জল নেই বলে তোয়ে অমৃত জল হলো সেখানকার অমৃত সেখানে তিনি ঘুমায় না সেখানে তিনি সমস্ত তিনি হ্যাঁ তিনি তপস্যা তিনি ফল প্রাপ্ত করেন সেখানে যদি আপনি কিছু বলে সেখানে ভগবানের স্তুতি হয়ে যায় এই জন্য বৃন্দাবন ধাম হলো দিব্য ধাম এই জন্য ভক্তির নৃত্যতি যাত্রা চল ভক্তি দেবী তো ওখানে এসে একদম তিনি হারা ভরা হয়ে যায় হ্যাঁ সেখানে হরা ভরা হয়ে যায় মানে কি সেখানে তার সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যায় কিন্তু আমার যে এই দুটি যে ছেলে আছে না ওই যে জ্ঞান বৈরাগ্য এরা বুড়ো হয়ে গেল বলে বুড়ো হলো কেন তার না কি বলে কারণ হলো বৃন্দাবন হলো রসভূমি বৃন্দাবন হলো রসভূমি সেখানে জ্ঞান নিয়ে কেউ জিজ্ঞাসা করে না এই জন্য উদ্ধার যখন তিনি ওই জ্ঞান নিয়ে আসেন বলে আরে এই ব্রজবাসীদের বুঝাতে আমার কষ্ট হবে আমি হলাম বৃহস্পতি আমি হলাম শিষ্য হ্যাঁ আমি হলাম অদ্বিতীয় জ্ঞানী আমি এখানে আমি হলাম বিদ্বান জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান এরা সব গরু চড়ায় দুধ হ্যাঁ দধি মন্থন করে আর সব গোবর কন্ডা কন্ডা মানে কন্ডা কি বলে ঘুটে পাতে আর এদের কি বুঝাতে আমার কোনো কষ্ট হবে আমি তো চুটি বাজার এদের বুঝাই দেবো কিন্তু যখন তিনি উদ্ধব তিনি আসে যখন তিনি ব্রজবাসীদের প্রেম কৃষ্ণের প্রতি তাদের প্রেম তিনি যখন দর্শন করেন তাদের ভক্তি যখন দেখে আর যখন সেই রাধারানীর প্রেম দেখে বলে উদ্ধব শুদ্ধ হয়ে গেল শুনি গোপীয় কি বোর জ্ঞান বজায় গুরুদিনী বাজে প্রেম কি বোর বুঝতে পারছেন তো जब श्री उद्धव जी ब्रज में आए और गोपियों की राधा रानी ब्रजवासियों की प्रेम को देखा उद्धव शुद्ध है गयो माने कि उद्धव एकदम सीधा हो गए गोपियों की बोली सुन करके सारे ज्ञान कहाँ चली गई बोले ज्ञान बजाय बुद्ध की बात जब प्रेम की गाओ दुगुदुगन डम्बरू ढोल माने ढोल यदि कुछ है ढोल वाले को उसको आगे जो गुरुदिन कोई काम करता है इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति भी जिनकी प्रेम को देख करके वो चकाचौंध हो गए और गोपियों की चरण की एक धूल को रचना की इसलिए ज्ञान को ब्रज में कोई नहीं पूछते हैं इसलिए ज्ञान आकर क्या हो गया वो बूढ़ा हो गया है और वैराग्य ब्रज में कोई वैराग्य नहीं करते हैं
गोपियां तो सुंदर श्रृंगार करती हैं, बोले क्यों, बोले कृष्ण देखे खुश हो, हैं सखा लोग बड़े सुंदर श्रृंगार करते हैं क्योंकि कृष्ण देखे खुश हो, कृष्ण के साथ में खेलेगी, इसलिए ज्ञान वैराग्य को कोई वहां आदर नहीं करते हैं, इसलिए ये ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। लेकिन कहते भक्ति की और दो बेटे हैं, भक्ति की दो बेटे, कौन कौन दो बेटे, बोले इसका दूसरा अर्थ समझो, भक्ति के दो बेटे कौन है, बोले ज्ञान और वैराग्य, बोले क्यों, कारण किया, बोले अगर तुम भक्ति करना चाहते हो तुम्हारे दो बेटे होने चाहिए, तो ये चीज को समझो, अपना हिंदी मुस्तक से ना बोला, हाँ अगर भक्ति करना चाहते हो आपका दो बेटे होनी चाहिए, तो भक्ति नहीं बढ़ेगी, ये तो भक्ति होती रहेगी, बुझते वाचे तो, यदि भक्ति दुईटी छेले, यदि दुईटी छेले यदि पुष्ट ना हो ना भक्ति करना कठिन करोगे, माने कि यदि भगवान रे भजन करते चाहो प्रथम अवस्था के वैराग्य दरकार है, जरे रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, बोले महाप्रभु भक्त वैराग्य करता जहाँ देखी पुष्कर गौर भगवान, साधन का पहला अवस्था में अगर बढ़िया बढ़िया खाएंगे बढ़िया बढ़िया पहनेंगे फिर क्या होगा, मन तुम्हारी भोग का प्रति भागेगा, नहीं तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी एक एक वृक्ष को नीचे क्यों भजन करते थे, चना खा करके कभी चना कभी वो भी मना, रघुनाथ दास गोस्वामी जगह घर बाड़ी चले मंदिर महाप्रभु का चले की करते, ये जगन्नाथ मंदिर बाहर गाड़िए भिक्षा नहीं भरते थे, जगह महाप्रभु सुन ले बोले रघुनाथ की करे, बोले दरवाजे तक आए दाड़िए कोई दाड़िए था कि यदि कहीं महाप्रसाद बेचे जाए खा दे, बोले कभी बेस्यावृत्ति एटा बोले बेस्यावृत्ति बेसिया दाड़े था कि बोले हमको पैसा दिए, बोले बेटा भक्ति ना तो हमने तभी की कर ले जे अन्न गुलो पचे जाए यार बिक्री है ना उनका पहले दिए ना रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए वोटा के भालो करे धुए धुए हैं एक तो लवण दिए वोटा खेली ওইটাই খেয়ে নিতেন আর মহাপ্রভু যখন দেখলেন নিজে এসে মহাপ্রভু খেতে আরম্ভ করলেন, হ্যাঁ মহাপ্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামী যখন রাধা কুণ্ড শ্যাম কুণ্ডের মাঝখানে বসে যখন ভজন করতেন রৌদ্রের মধ্যে রাধা রানী তিনি নিজে এসে নিজের আঁচল দিয়ে তার মাথার উপর রাধা রানী কৃষ্ণ ছাড়িয়ে দিলেন, সনাতন গোস্বামী দেখতে গেলেন বলে তুমি রাধা রানীকে এত কষ্ট দিলে দাও, বলে কোথায়, বলে আমি দেখলাম তোমার পিছনে রাধা রানী দাঁড়িয়ে তোমার উপরে মাথার উপরে ছায়া করছে, আমি দেখলাম তোমার কাছে দুটো বাঘের জল খেতে দেখলাম, হ্যাঁ রঘুনাথ দাস গোস্বামী রঘুরাতের বৈরাগ্যের জন্য পাষাণের রেখা পেতে, হ্যাঁ এই জন্য ভগবানের ভজন করতে গেলে এই জন্য যখন রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলে বলে প্রভু তোমার মুখে থেকে আমি কিছু জ্ঞান শুনতে চাই, তোমার মুখের থেকে কিছু উপদেশ শুনতে চাই, মহাপ্রভু কি বললে ভালো না খাইবা আর ভালো না পড়িবা, হ্যাঁ আর অমানি মানব হইয়া সদা কৃষ্ণ না, মহাপ্রভু বললে না এই জন্য ব্রজ রাধা কৃষ্ণ সেবা মানস করিবা, ভালো খাবে না ভালো পড়িবে না আর সব সময় কি করবে মনে মনে রাধা গোবিন্দের তুমি সেবা করবে, হ্যাঁ গোবিন্দের আপ গ্রামে বার্তা না কইবা গ্রামে বার্তা না শুনিবা সংসারের কথা বলবে না সংসারের কথা শুনবে না, এই জন্য ভক্তি করতে গেলে তোমার প্রথমে বৈরাগ্যের দরকার আছে, হ্যাঁ আর জ্ঞান জ্ঞান অর্থ কি, শ্রীল বামন গোস্বামী মহারাজ তিনি বলতে যদি তুমি সাম্প্রদায়িক বিচারকে তুমি যতটুকু ভালো করে বুঝেছ ততটুকুই তোমার ভজন হবে, তুমি যদি সাম্প্রদায়িক বিচারকে ভালো করে না বুঝো তখন এদিকে যদি জ্ঞানী এসে বলে আরে ভগবান নিরা কাট কইলি পারি যাবে, হ্যাঁ যদি কেউ সহজে আসে বলে এই বক্তার পর পিছনে দৌড়া বলে যত মত তত পর কেউ তোমার জ্ঞান কেউ যোগের বা দৌড়া দৌড়ি করতে আরম্ভ করে, এই জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলছে সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস যা হইতে কৃষ্ণ লাগে সুদৃঢ় মানস, সিদ্ধান্ত বলে অলস না করবে না, সিদ্ধান্ত জানলে পরে ভক্তিতে তোমার পাকা একদম নিষ্ঠা হবে তোমার মন তোমার ডামান হয়ে থাকবে, এই জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলছে তিন প্রকার হল ভক্ত, কত প্রকার, তিন প্রকার ভক্ত, একজন উত্তম ভক্ত একজন মধ্যম একজন কনিষ্ঠ, বলে কনিষ্ঠ ভক্তকে বলে কনিষ্ঠ ভক্ত হলো ভক্তি তো করে
কিন্তু ডামাডোল বন্ধ, কখনো করে কখনো করে না, কখনো হরিনাম করে কখনো করে না, কখনো ছেড়ে দিয়ে, এটা হলো কনিষ্ঠ। বলে মধ্যম ভক্তকে বলে নিজের ভক্তিকে সুন্দর ভাবে নিজের সংখ্যাপূর্বক নাম দান সংখ্যা করে নাম কীর্তন কবিদের ভজন পূজা নিজের ভজনটা সুন্দর ভাবে করবে, কিন্তু অন্য কার বুঝাতে পারে না, নিজের ভজনটা কন্টিনিউ করে, এটা হলো মধ্যম। বলে উত্তম ভক্তকে বলে নিজের যে সাধন ভজন সংখ্যা করে নাম করা, প্রত্যেক দিন উঠে সকালে স্নান করে তিলক করে ঠাকুরকে আরতি করা, তুলসী পরিক্রমা করা, ঠাকুরকে ভোগ লাগা, ঠাকুরের ভজন প্রত্যেক দিন গীতা ভাগ, নিজের ভজন নিজের দৃঢ় ভাবে করে এবং অন্য কেউ যদি ভজনকে দ্বারা বুঝিয়ে তাকেও যদি ভজনতে লাগিয়ে দিতে পারে তিনি হলেন উত্তম ভক্ত। এই জন্যে ভক্তি দেবীর কয়টা সন্তা, কে কে? জ্ঞান আর বৈরাগ্য, মানে বৈরাগ্য দরকার আছে। এই বৈরাগ্য হলো সাধারণ বৈরাগ্য, দ্বিতীয় বৈরাগ্য হলো বিশেষ পূর্বক অনুরাগ বৈরাগ্য। হ্যাঁ, আর জ্ঞান অর্থ হল সমস্ত শাস্ত্র সিদ্ধান্ত তিনি সুন্দর ভাবে তিনি নিজের জীবনে আচরণ করে অন্যকে বুঝাতে পারে, বুঝতে পারছেন তো? যদি ভক্তি এই দুইটি ছেলে না হয় না, তখন কি হবে? ভক্তি কান্নাকাটি করবে, মানে কি কখনো হরিনাম করবে কখনো করবে, কখনো কখন ওই দিকে যাবে কখন ওই দিকে যাবে, তখন ভ্রমিত হয়ে থাকবে কি করবো আর কি না কি না করবো। এই জন্যে ভক্তির তিনি দুইটি ছেলে, এই জন্যে আর এই জন্য ভক্তির তিনি কান্নাকাটি করছে। এ কারণে নারদ বললেন তুমি চিন্তা করে না, তোমার সন্তানকে আমি সম্পূর্ণ আমি তোমাকে জবান করতে হবে। বলে তুমি যদি আমার সন্তানকে জবান করে দাও না, আমিও প্রতিজ্ঞা করেছি তোমার হৃদয় ছেড়ে আমি আর কোথায় যাব। তখন নারদ তিনি সেই জ্ঞান বৈরাগ্যের টানে তিনি সমস্ত পুরাণ উপনিষদ ব্রহ্মসূত্র সমস্ত কিছু কানের মধ্যে বলতে আরম্ভ করি, কিন্তু কিছুই কই তাদের চোখ আর খুলে না। যখন তিনি গীতাকে তিনি শোনান একটু তিনি চোখটা খুলেছে, আর যখন গীতা শেষ হয়ে গেছে না ধ্রাম করে পড়েছে। বলে হে ভগবান, গীতা হলো সাক্ষাৎ বলে যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখ পদ্মম বিনিষিত, গীতা হলো সাক্ষাৎ কৃষ্ণের মুখ নিষিদ্ধ বাণী হলো গীতা, ভগবানের মুখ নিষিদ্ধ বাণী শুনে চেতনতা হলো না কেন? জাগলেন আবার পড়ে গেলেন, বলে কেন? বলে কারণ হলো গীতার মধ্যে আঠেরো অধ্যায় আছে, কয়টা অধ্যায় আছে? আঠেরো, ছয়টি অধ্যায় হলো কর্ম, ছয়টি অধ্যায় হলো জ্ঞান, আর মাঝখান হলো ভক্তি। হ্যাঁ, এই জন্য ছয়টি অধ্যায়, এই জন্য সেখানেও যে ভক্তি কথা নিরূপণ করা হয়েছে সেখানে কিছু জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি, সেখানে কর্ম মিশ্রযুক্ত ভক্তি আছে, সেখানে পিওর যে ভক্তি কথা সেখানে নেই। এই জন্যে গীতা শুনেও তাদের চেতনতা হলো না, এখানে নারদ তিনি খুব দুঃখী হয়ে গেছে। এখানে সমস্ত আশ্রমেতে গিয়ে সমস্ত সাধুদের কাছে গিয়ে গিয়ে সেখানে প্রশ্ন করে জ্ঞান বৈরাগ্যের জবান কিভাবে প্রাপ্ত করে, কিন্তু কেউ আর সঠিকভাবে কেউ উত্তর দিতে পারলো না। হ্যাঁ, কেউ আর উত্তর দিতে পারলো না। এখানে ভ্রমণে করতে করতে নারদ তিনি পৌঁছেন কোথায়? পৌঁছেছে হিমালয় পর্বত বদ্রীনাথে পৌঁছেছে, আর সেখানে চতুস্বরের সঙ্গে দেখা হয়েছে। যখন দেখা হয় তখন প্রশ্ন করছে চতুস্বর, বললে এই দেখো তুমি যে কথা বলছো জ্ঞান বৈরাগ্য জবানি কি করে হবে, এটা তো সাধারণ কথা। বলে সাধারণ কথা সারা দুনিয়াতে সবাইকে প্রশ্ন করে এলাম, কেউ ঠিক ঠিক ভাবে উত্তর দিতে পারলো না, আপনি বলছেন সাধারণ কথা। বলে কেন নারদ? যেখানে ব্যাস দেন তিনি সমস্ত গ্রন্থকে রচনা করে, কিন্তু তিনি শান্তি পান, কিন্তু যখন তুমি বললে না ভাগবত গ্রন্থ রচনা করলে তুমি শান্তি পাবে, তুমি বলেছিলে না? বলে হ্যাঁ, লোকে ভাগবত কথা শোনা, এই ভাগবত কথাতে জ্ঞান বৈরাগ্য পূর্ণরূপে জবান হবে, মানে কি আপনি দেখবেন যখন এই সাত দিন হবে না, তখন সাত দিন শেষ হবে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে জ্ঞান বৈরাগ্য শুয়ে আছে, জ্ঞান বৈরাগ্য আমাদের হৃদয়ের মধ্যে শুয়ে আছে, কিন্তু দেখবেন যখন সাত দিনই কথা শুনবে না তখন চিন্তা করবেন এরপর আবার আমার কী করবো, সাত দিন কীভাবে কেটে গেলো, নাচে কুদে কত সুন্দরভাবে চলে গেলো, এরপরে কী করবো, তখন কী করে দেখবেন মন ভজনে লেগিয়েছে, মন ভক্তিতে লেগিয়েছে, আর মনের মধ্যে কবিদের ভজন করতে ইচ্ছা করছে, হৃদয়ের মধ্যে সেই জ্ঞান বজায় জেগে যাবে,
केवल ये भागवत द्वारा ही सही ज्ञान वैराग्य कर सकनी पूर्ण रूप में जवान प्राप्ति वाली एक जन तेरी बोलन जे एक बार अपनी हमारे कथा सुने दी बोले ठीक है जी कथा सुना लो बोले पत्थर कुठाए कथा सुना लो बोले हरिद्वार कथा आनंद नाम को घाटे सेखाने आने कथा सुना लो बोले हरिद्वार के कथा सुना लो पृथ्वी के तो अनेक जगह छिलो बोले बोलो हरिद्वार के कथा सुना लो बोले एक ही कारण छिलो सेखाने गंगा प्रवाह मा सेखाने सुंदर गंगा प्रवाहित हो और एखाने ओ देखो एखाने की प्रवाहित हो हां एटा एटा विशेष जिनिस छाने तो एजने गंगा जे हवा आछे ना अत्यंत पवित्र भगवान ने चरणा मिलकर हवा और भगवान ने चरणा मुक्त भगवान ने मत को पार्थक नहीं एजने वर अकाल मृत्यु हर नाम सर्वव्यापी विनाशक भगवान ने चरणा मुक्त अकाल मृत्यु के हरण करे समस्त दुख करते के निवारण करे एजने हमारा को सौभाग्य वा ए निमाई तिथि खाते जिथारे श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे से सेखाने और गंगा किनारे बसे हमारा भागवत कथा श्रवण कर जने बोले हरिद्वार गंगा किनारे के कथा आवे से आर कुठाए बोले हरिद्वार बोले एक समय झगड़ा हो जाए बोले तातेरे मते के बोल के हरिद्वार के बोल के हरिद्वार एवं झगड़ा हो जाए के बोले के हरिद्वार हर माने सी એટલે કેવું શિબિર એટલે ઝઘડા કરે ના એટલે હરિદ્વાર એટલે હરિદ્વાર કેમના આપણે જતી બદ્રીનાથ જાવ એટલે કહેલો હરિદ્વાર બદ્રીનાથ હોય હરિ જગ્યા ખાતે કોઈ દિગે જતા આવે આજે હરિદ્વાર કેદારનાથ જા કોઈ દિગે દિગે જતા આવે બોલે એટલે હરિદ્વાર હરિદ્વાર એકનો પ્રશ્ન બોલે હરિદ્વાર કેને કથા આવે તૃતીય કારણ બોલ છે એક દિગે હોય ઉત્તરાંચલ આર એક દિગે હોય ઉત્તર પ્રદેશ ઉત્તર પ્રદેશ હોય যেখানে ঘর গৃহস্থী লোকরা দেখতে থাকে আর উত্তরাঞ্চল হলো যেখানে কেবল সাধু পুরুষরা থাকে বলে এইরকম একটি জায়গায় যাতে কথা হয় যে কথার সৌভাগ্য লাভ যাতে সাধু পুরুষরাও নিতে পারে যে কথার সৌভাগ্য গৃহস্থ লোকরাও নিতে পারে যাতে সবাই এসে যাতে কথা শুনতে পারে যেরকম এখন মন্দিরে কথা হচ্ছে ঠাকুরের মন্দিরে কথা হচ্ছে দেখি মানে মন্দিরের তে কথা হলে এখানে সবাই এখানে আসতে পারবে কেন এটা হলো মন্দির পবিত্র দরবার ভগবানের মন্দিরতে সবাই সেখানে সেখানে অধিকার আছে আসা কিন্তু যদি কারো বাড়িতে হতো সবাই যেত বলে আমাদের নিমন্ত্রণ করতে কেন ভুলে যাও গেলে যদি কিছু বলেন ফেলে তুমি কেন এলে কিন্তু এই ঠাকুর দরবার হলো সবাই দরবার হলো গোবিন্দের দরবার বলছে এইরকম একটি স্থানে কথা হওয়া দরকার যাতে ওই লাভটি সবাই উঠাতে পারে এখন ওই কথাটি সর্বত্র প্রচার হয়েছে চতুস্বর্ণ হরিদ্বারে এই ভাগবত কথা বলবে এখানে প্রথমে কে এসেছে সেখানে বৈষ্ণবরা এসেছে বলে কেন বলে যত বৈষ্ণবা নাম ধনম ভাগবত কি কার গ্রন্থ এটা হলো বৈষ্ণবদের গ্রন্থ হ্যাঁ বৈষ্ণবদের প্রথম অধিকার এইদিনে প্রথমে বৈষ্ণবরা সেখানে দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে এলো আর কোথা থেকে এসেছে বলে ব্রহ্ম লোকতে কথা শুনতেছে এবং সেখানে মোর জ্ঞান তপ লোকতে কথা শুনতে এসেছে যত গঙ্গা যমুনা সরস্বতী ছিল সাক্ষাৎ মূর্তিমান রূপে কথা শুনতে এসেছে অযোধ্যা মথুরা মায়া এরা মূর্তি রূপে এসেছে এইরকম কেউ ছিল না যেখানে কথা শুনতে আসে এখানে যারা আসেনি কথা শুনতে এখন অগস্ত ঋষিতিনি প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে গিয়েছে তুমি তোমরা শুনেছো কি না ভাগবত কথা হচ্ছে হ্যাঁ ভাগবত কথা হচ্ছে আর চতুর্সঙ্গের মতো লোক যারা পরম ব্রহ্ম জ্ঞানী ভগবানের পরম ভক্ত তারা কথা শুনছে দেখো বহু ভাগ্য এই ভাগবত কথা শুনতে পাওয়া যায় চলো সবাই কথা শুনতে যাব অর্থ হলো এই ভাগবত কথাতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকরা সেখানে ভাগবত কথা শুনতে এসেছিল যখন চতুষ্ণ কথা করতে যাচ্ছে স্বর্গ থেকে দেবতারা সেখানে শঙ্খ ধ্বনি করেছে স্বর্গ থেকে পারিজাত পুষ্পে সেখানে গৌসার করেছে সেখানে শঙ্খ নাগড়া বাজিয়েছে এবং ভাগবত কথা তারাও জয়কার দিয়েছে শ্রীমদ ভাগবত কথা মৃত যাইতে আত্মভাব দেখুন কোথায় দেবতারা জয়কার দিয়েছে
আর আপনার জয় গান আমি শুনতে পাচ্ছি। এই জন্য ঝগড়া হলে না এই পাড়ায় ঝগড়া হলে ওই পাড়ায় শুনে এই যে জোর করে যাতে ছাদ উড়ে যায়। বলে শ্রীমদ ভাগবত কথা বৃন্দাম কী, এইবার ভগবান কথা এখানে না এর অর্থ কি, এর অর্থ হলো যদি কোথায় এই ভাগবত কথা হয় সেখানে সবাই কথা শুনতে আসবে। দেখুন এক সঙ্গে একজন সাধু তিনি কথা শুনতে গিয়েছেন কোথায় ভাগবত বলছেন, তিনি গিয়ে দেখেন এই প্যান্ডেলের মধ্যে এইরকম ভাবে লোক বসে আছে, সেখানকার সরিষা ফেললেও পড়বে না। তিনি নিজে দেখতে পারলেন সত্যি সত্যি তিনি সাধু ছিলেন। তিনি দেখলেন সেখানে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু কাবেরী অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চি অগস্ত্যা দ্বারাবতী এবং ব্রহ্মলোক থেকে ঋষি মুনিরা সেখানে হাত জোড় করে সেখানে কথা শুনছে। এর অর্থ হল যেখানে কথা শোনা হয় না সমস্ত ঋষি মুনি দেবা দেবীরা সেখানে কিছু না কিছু রূপে তারা সেখানে এই ভাগবত কথা শ্রবণ করে। এই জন্য বলছেন সর্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যথা চিকাগর কথা প্রসঙ্গ, এই একটি খুব মূল্যবান কথা বলছেন। এখানে বলছেন যেখানে এই ভাগবত কথা হয় দেখুন আপনারা যদি ইচ্ছা করেন পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে সমস্ত তীর্থেতে আমি স্নান করতে চাই। আপনারা বলুন তো সব পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে সব তীর্থেতে স্নান করতে পারবেন আপনারা, বলুন আপনারা করতে পারবা? পৃথিবীতে আমি একবার মরিশাসে গেছিলাম বিদেশে, সেখানেও দেখলাম গঙ্গা আছে। রাশিয়াতে বলো ওর নাম রাশিয়া কেন হলো, বলে এটা প্রথমে ঋষি জায়গা ছিল, ঋষি মুনিদের স্থান ছিল। এই জন্য পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে কোথায় কোথায় তীর্থ আছে, এই জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করলেও না সব তীর্থেতে স্নান করতে পারবে না। কিন্তু সুত গোস্বামী এটি একটি মূল্যবান কথা বলছে, এরকম কি উপায় আছে আমরা এক সঙ্গে সমস্ত তীর্থের মধ্যে স্নান করতে পারবো, এরকম কোন উপায় আছে? হ্যাঁ একটি উপায় হলো সর্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র, মানে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ স্থান সেখানেই নিবাস করে উঠায়। বলে যথা চুতাদর কথা প্রসঙ্গ, যেখানে ভগবানের কথা হচ্ছে এখানে বলে না হরি কোথায় হরি কথায়, এখানে যেখানে ভগবানের কথা হচ্ছে আমরা কথা শ্রবণ করছি মানে সমস্ত তীর্থের মধ্যে স্নান করছি। বলে ও থেকেও বেশি ভালো, এই জন্য কি সাধু বলতেন আপনারা গিয়েছিলেন হরিদ্বার কারে কারে গিয়েছেন, ওখানে হরি কি পৌড়ি যাবেন ওখানে সাবধান, নিচে খুব পানি গহিরা নিচে যাবে না, আর একটু নিচে গিয়ে একটু গোতা লাগিয়েছেন না ডুবেছেন বা নিয়ে চলে যাবে, একটু গোতা লাগালে নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু কেউ আপনাকে বলে যে ভাগবত কথার মধ্যে বেশি স্নান করবে না বেশি ডুববে না, হ্যাঁ দেখুন হিন্দি মে বলতাম আগে হরিদ্বার যাবে না বলে খবরদার থোড়ি সি অন্দর মে যাওগে না একটু বহ যাওগে ডুবকি লগাও তো বহ যাওগে জ্যাদা ডুবনা নেই, লেকিন কোই আপকো বলতা হ্যায় কথার মধ্যে গঙ্গা মে মত ডুবো, বল্কি জিতনি গোতা লগা সকে লগাও জিতনা ডুব সকে কথার মধ্যে গঙ্গা মে ডুবোগে তো তর যাওগে আর বেই সে হরিদ্বার মে গঙ্গা মে ডুবোগে তো বহ যাওগে। इसलिए कथा रूपी और गंगा में स्नान करने पर क्या होगा बताओ, थोड़ी सी केवल पाप नष्ट होगा और कुछ नहीं होगा, फिर घर में आकर दो बार वही पाप करना, फिर मछली खाओ, फिर चोरी, फिर झूठ बेईमानी करना शुरू करो, फिर करना शुरू कर दो। लेकिन अगर कथा रूपी गंगा में स्नान करोगे तो देखो आप लोग कथा रूपी गंगा में आएगा ना तो गले में कंठी जिला तो माला, गंगा में नहाने बड़े सब चीज नहीं होगा, आप लोगों ने साधु संग किया है भक्तों का संग किया है, वो भक्तों का संग किया तो कथा रूपी गंगा में आया तो तिलक कंठा की माली तिलक भजन प्रभु की भजन में लग गए हो, इसलिए कथा रूपी गंगा में नहाने का ज्यादा पाप बल है। इसलिए बोले गंगा पाप शशि तापम दंड कल्प हरु तरे तथा पाप तथा पुण्यम भवेत सत समागम, वो कहते हैं अगर गंगा में स्नान करोगे तो क्या होगा,
बोले गंगा पाप, गंगा केवल थोड़े से पाप हरण करेगा और कुछ नहीं। बोले शशि, बोले चंद्रमा, बोले ताप, चंद्रमा केवल थोड़े से ताप दूर करेगा। बोले धन्य दुख, बोले स्वर्ग का कल्प वृक्ष तुम्हारी धन्य दुख हरण करेगा। लेकिन जो साधु संग है बोले पाप ताप कथा कहते पाप ताप एवं दुख को कौन हरण करेगा। ये भागवत कथा सब चीज श्री भागवत कथा ही हरण कर सकती और कोई नहीं हरण कर सकते हैं। अगर कथा रूपी गंगा में कोई स्नान कर लिया तो समझो बैठ बैठ कर ये सारे तीर्थ हमने यही बना दिया, बल्कि उससे ज्यादा पुण्य पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ में नहा लो उससे ज्यादा पुण्य किसमें। बोले कथा रूपी गंगा में अगर स्नान कर लिया। बोले श्रीमद भागवत कथा मृत जय श्री इतने में जो भक्ति रानी थी वो अपना दोनों पुत्र को लेकर वहां पर आए। बोले भैया हमें भी तो कोई स्थान तो बैठने के लिए। चतुसेन से पूछे बोले देखो आपका स्थान है यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए इनके हृदय में आप बैठ जाओ। मतलब है जो व्यक्ति भगवत कथा श्रवण करते हैं उनके हृदय में भक्ति दल की विवास हो जाती है। भक्ति दल कौन है? राधा रानी। भक्ति दल कौन है? श्री राधा रानी। मतलब है जो कथा सुनते हैं उनके हृदय में से राधा रानी की निवास हो जाती है। अगर राधा रानी अगर निवास हो गया फिर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। इसलिए सारे भक्त लोग एकदम आनंद में सबके सब डूब गए, सबके सब डूब गए। जब चतुसर ने ये कथा की, जब ये कथा समाप्त हो गया वहां पर गोलोक वृंदावन से स्वयं श्री राधा गोविंद वहां पर प्रकट हो गए अपना सखियों को साथ में, सखाओं को साथ में। इतने में से नारद जी वीणा लेकर के बड़े सुंदर वीणा बजा रहे थे, अर्जुन पखवाज बजा रहा था, उद्धव जी बजरा बजा रहे थे और श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे जैसे कीर्तन हो रही थी वो वैसे वैसे नृत्य कर रहे थे। और जो ज्ञान और वैराग्य, देखो जो ज्ञान है ना ये बड़े सुखा होते हैं, जो वैराग्य होते हैं ना वो भी बड़े सुखे होते हैं। ज्ञान भी बड़े सुखे होते हैं और वैराग्य भी बड़े सुखे होते हैं। लेकिन ये भागवत कथा में इतने रस है कि जो ज्ञान वैराग्य प्रेम में सराबर हो गए वहां ज्ञान वैराग्य में नाच उठी। मतलब है अगर ये कथा को कोई श्रवण करेगा तो हमारा हृदय में अगर ज्ञान वैराग्य होना तो संपूर्ण नाच उठेगी, कृष्ण प्रेम में हम सराबर हो जाएंगे। अभी प्रभु जी एक आपको भजन सुना देंगे, भजन कैसे ज्ञान वैराग्य नाच रहे हैं। हरे की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि भागे बिहारी की दीप छका, दीप छका हरि मेरो मन में गर लगा। हरि भागे बिहारी की दीप छका, दीप छका मेरो मन में गर लगा। हरि मेरो मन में गर लगा। আমি না
Thank you.
আপনি কি দিল্লিতে বসে আছেন না কলকাতাতে? হ্যাঁ কলকাতাতে। তো এখানে তো আমি জানতাম কি মায়েরা অনুধ্বনি করে গরিব, কিন্তু এখানে তো শুনতে পাচ্ছি আশ্চর্য হয়ে গেছে। তিনি একটি মাঝখানে প্রশ্ন করছে,
यदि के प्रेत जो नीचे बढ़िया से किंतु किसी तरी तार मुक्ति आरो से ना तार की कथा सुने मुक्ति तारो हवे तखन चतुसन बोलल जखन भगवत कथा श्रवण करे पशु पाखी पर जंत से भगवत गति गोलक वृंदावन के प्राप्त करे प्रेत जो नीचे की उधार हवे ना तखन तेरी आत्मदेव कथा तेरी सिखा सुना बोले तिनी आत्मदेव नाम की ब्राह्मण तेरी थाकते सर्वगुण संपन्न थी किंतु ओनार के पत्नी छिलो ना ओछले धुंधुली पति तो होल आत्मदेव पत्नी होल धुंधुली धुंधुली माने अज्ञानी अंधकार देखि बने ये जगत और भगवान का है पति तो आत्मदेव आत्मदेव माने किसे ज्ञान के प्रतिष्ठित बा भगवान का भजन करे किंतु कखनो कोनो पत्नी ए रकम आसे ना आर भजन करते दिए ना ले सब की गो बोलाय माथा तिलक सब और मांस मांस के द्वार में एकदम हमें ना तो तू हम पापड़ भर देते ऐसा चुरी भजन कर कौन कौन देखा जाए मायरा आत्मवृत्ति है कौन तो कौन जो पति है ना धुंधुला ही करे अज्ञानी धुम धुम करते के धुंधुला ही देखिए मैं पति ने खूब भक्ति बती की तो पति यार ले ऐसे कुछ संस्कार के साथ के नहीं है सो बलाई माला तिलक सब पंडी खबरदार इसमें हमारा बांटी चले गए किंतु बहुत सौभाग्य रहा हाँ जरा बहुत सौभाग्य देखो यदि पति हो आत्मदेव पत्नी हो आत्मलोक हैं पति हो भजन करे पत्नी हो भजन करे ऐसे को पावा बहुत कठिन यदि पावा जाए ना मन कर पर सोने के स्वाद खूब भाग्यवान पति पति दो जन मिले गोविंदे भजन कर से एक ना पति पति तो हो आत्मदेव आज पत्नी ना खूब झगड़ा थी सकाल उठे यदि दो चार बार तो झगड़ा ना करना तो पेट में भात ही हो जाएगा हैं एकदम अज्ञानी भजन भजन तो एकदम रुचि नहीं एकना की होय छे बाड़ी पे अथाह संपत्ति बाड़ी पे कोन वस्तु रे अभाव नहीं है किंतु बाड़ी पे कोन संतान नहीं है एकने की अत्यंत तेरी दुखी तिनी आछे हैं तेरी दुखी आछे किंतु तिनी खूब चिपते एकटा पैसा मंदिर ठाकुर गुरु वैष्णव सेवाई की चिट्ठी आज लगाई ना एकटा पैसा लगे ना देखो अपना तरीका सत्य घटना सुना छी हमारे जैव धर्म में भक्ति बिना ठाकुर को का बोलते एकरा अनेक शिक्षा विषय आज एक समय एक जनो पति छिलो बढ़िया घर रे खूब कीते केवल पैसा जोड़े एकटा पैसा दान दे दिया साधु संग हो जाए बोले के नो बोले ओखाने जदि गेले एक टका जीते जदि हम फिर 10 टका इसके जीते लागे एकने साधु संग जान भाव करे सुन पता नहीं एकने स्त्री ऐसे छे एक और पत्नी के स्वभाव स्त्री के मध्य ताई आसे एक और स्त्री के मध्य हो रे कौन स्वभाव है इसके एक तीन पैसा आप उठा जाते खर्चा ना है तो बोले पैसा जोड़ो जोड़ो एक और छेले हो इसे घर पिता माता के बंदे छेले आसे एक और कोई छेले के मध्य स्वभाव है इसे एक और छेले के बीए हो इसे एक और बीए हो इसे एक और बहु मार के मध्य हो स्वभाव है इसे एक टा पैसा जाते ना चल जाए तो ना साधु संग जावना भजन कीर्तन जावना और यदि ना जाए ना हृदय तक हम शुष्क हो जाए तो हम साधु सब जावे गोविंद रे कथा सुन जाए भगवान रे कथा सुन जाए ते को पैसा के बोला है लकी पैसा लकी लकी तार लकी तुम्हार ये लकी तुम्हार ना नारायण है नारायण यदि वो लकी यदि नारायण सिवाय ना लगे जब तो पैसा तुम्हें इनकम करो घर शांति कहना लकी तुम्हार नाई लकी वाला नारायण है तार सेवाय ना लगी है परी तुम्हें ताके भोग करते पार देना ताके तुम भोग करते पार देना तिनी भक्तिया केवल नारायण तिनी भक्तिया तो कौन तेरी शांति सुख दिवे बच्चों बाढ़ के शांति सुख पावे ना वो दिवे ही ना बाढ़ के शांति सुख लड़ाई झगड़ा अशांति रोग सुख लगी दिवे बोले कहना तुम ताके भोग करते चाहिए फिर तुम्हारे भक्तिया वो नाई तिनी वाले नारायण रे भक्तिया तिनी है एकाने की होचे एकाने बोमा छलेर मते से गो हृदय पे दया से सो साधु संगे जाए ना हां साधु संगे जाए ना दान दक्षिणा दया एकदम से सो ने छे आर जे बोमा छले बोलो ना तीन ते छले छिलो एकर ओरा चिंता करसी बुढो कखन करबो केना तो ये टाका पैसा ने एई बाड़ी ते आछ जतो बुढो टाका पैसा सोना चांदी रे छे कखन ये बुढो बुढी मरबे हमरा पैसा ने एकाने बाप मां के आदर करबे এখানে যা দুজন দুঃখী হয়েছে আমি যত টাকা পয়সা এদের জন্য রাখলাম আর এরাই আমাদের আদর অনাদর করছে ভালো খেলাম না ভালো পড়লাম না এখানে কি করছে একদিন পিতা তিনি ছেলে পেয়েছে বলে দেখো আমি যত পয়সা তোমাদের জন্য রেখেছি
কিন্তু তোমাদের ব্যবহার দেখি তোমা আমাদের খাওয়ানা দাওয়ানা ভালোবাসা না, আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। দেখো যে ছেলে আমার বেশি করে সেবা করবে না তাকেই আমি টাকা বেশি দিয়ে দেবো। এখন শুনে তিনজন ছেলে চলে গেছে, এক জায়গায় মিটিং করছে, বলে দেখো ওই ঘরে সব মালগুলো এই ঘরে আছে, ইয়ে অন্যায় করে কাকে কম কাকে বেশি না দিয়ে যাতে এখানে কাজ দাও, ইয়ে বুড়ো বুড়িকে তীর্থযাত্রায় ভেজ দাও পাঠিয়ে দাও, যখন তীর্থযাত্রায় যাবে না তালা ভেঙে সব টাকা বলে নিয়ে নেবে। তো আমি পিতামাতাকে বলছি আপনার বৃদ্ধ হয়ে গেছে, আপনার তীর্থযাত্রা করলে না কলিজীয় বিশেষ করে নবদ্বীপ ধাম হলো পাপ মোচন স্থান, তোমার নবদ্বীপ ধামে একটু ঘুরে আসো, তোমাদের যে নৌকার ব্যবস্থা করেছে। এখন বুড়ো বুড়ি ছিল তো খুব খুশি হয়ে গেছে, লো ওই দিনই বলেছিলাম না এই দিন একটু জ্ঞান এসেছে, হ্যাঁ কিন্তু অজ্ঞান বেশি হয়ে গেছে, হ্যাঁ এখন কি হচ্ছে, এখন ওদের আবার দয়ে আসছে, ফলে নৌকা করতে হবে আমরা হেঁটে হেঁটে চলে যাবো, হ্যাঁ এত কৃপা। তখন পতি পত্নী একটি বৈষ্ণবী তাকে সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে নবদ্বীপ চলে গেছে। এখানে ছেলেগুলো তালা ভেঙে দরজা খুলে যত সোনা চাঁদি ছিল সব ভাগ করে নিয়েছে। এখানে কি হচ্ছে, একজন ব্যক্তি গ্রামের ব্যক্তি গিয়েছে নবদ্বীপে, এই ঘটনা শুনে গিয়ে বুড়ো বুড়িকে বলেছে, বলে তোমরা তীর্থযাত্রায় এসেছ, ছেলেরা পিছনে ঘর ভেঙে সব টাকা পয়সা বেঁটে নিয়ে গেছে। এখন দুজন বুড়ো বুড়ি তো কান্না কাটি আরম্ভ করে দিয়েছে, আয় রে এত টাকা পয়সা যাদের এখানে রাখলাম তোরাই ওই রকম করলো, হ্যাঁ আমরা প্রাণ ত্যাগ করবো। কিন্তু এই যে বৈষ্ণবী ছিল বলে দেখো সারা জীবন একটু গুরু বৈষ্ণবের সেবায় লাগালা, হ্যাঁ এই জন্যই এর পরিণাম এই হয়েছে, তোমার এবার নবদ্বীপ ধামে থাকো, গেল পাপ হয়ে জায়গা ভজন কর। আবার কিছুদিন পর আবার মোহ এসছে, বলে যা হো না কোনো ছেলে তো না ছেলে বৌমা চলো বাড়িতে যাই। ওই যে বৈষ্ণবী ছিল বলে এখন যদি বাড়িতে যাও না জীবনে তোমাদের মেরে ফেলবে, কেন তোমরা বলবে টাকা পয়সা কোথায় গেলো, ওরা তো বেঁটে নিয়ে গেছে, জীবনে তো মেরে ফেলবে, খবরদার ওখানে যাবে না। আবার চেতনা আসছে, ঠিক বলছে, বলে একটা কাজ করে একটা বুদ্ধি খানি তোমরা করবে, যতটুকু পয়সা লাভ হবে, জীবনে তো গুরু বৈষ্ণব সেবা করলাম না, কিছু কিছু পয়সা প্রত্যেক দিন একটি বৈষ্ণবের সেবা করো। আর এখানে সাধু একজন থাকতেন, এখানে হরিকথা আপনি ভজন করতে জীবন কাটাবে, তখন জীবন কাটাবে। এই জন্য এই যে আত্মদেব, টাকা তো অনেক ছিল কিন্তু শান্তি সুখ কেন নেই, সব কিছু লোকের সন্তান সুখী নিকারণ হলো খুব কিপ্তে, একটা পয়সাও কোনো সেবায় লাগায় না, এত দুঃখী হয়ে গেছে বলে আমি প্রাণ ত্যাগ করি। এখানে প্রাণ ত্যাগ করতে গিয়েছে, যখন ভগবান কোন জীবের উপরে কৃপা করে তিনি সাধু রূপে তাকে দর্শন দিতে আসে, মানে আজকে মনে করেন সাক্ষাৎ ঠাকুর তিনি ওর উপরে কৃপা করার জন্য একটি সাধু রূপে তিনি এসেছেন। বলে কি হয়েছে, কান্নাকাটি করছে কেন, বলে বাড়িতে সব সুখ আছে, টাকা পয়সা স্ত্রীও ভালো সব কিছু ভালো, কিন্তু বাড়িতে কোনো সন্তান নেই। বলে তুমি সদর মহারাজের নাম শুনেছো, বলে হ্যাঁ, বলে বলো কয়টা ছেলে ছিল, বলে 10,000, বলে সুখ দিয়েছে কপিল মুনি অভিশাপ সব চলে গেছে, বলে চিত্রগুপ্তের চিত্রকেতুর নাম শুনেছে, বলে হ্যাঁ, বলে কয়টা বিয়ে করেছে, বলে 1 কোটি, সন্তান নেই সন্তান নেই সন্তান নেই, একটি সন্তান হলো তো আর যত সৌভাগ্য ছিল না জহর দিয়ে মেরে ফেলে, মেরে ফেলে শেষে দুঃখী হয়ে শেষে গোবিন্দের ভজনে ফেলে। বলে দেখ ছেলে সন্তান দেখে সুখী হয় না, সুখী হয় ভগবানের ভজন, ভগবান যদি সন্তান দেয় চিন্তা করবে না, গোপালের নিজের গোপালের মতো কেউ সন্তান হবে, ঠাকুরের বাড়িতে রাখো গোপালের সেবা কর। দেখো বৃন্দাবনে একটি মা ছিল সত্যি ঘটনা, তিনি সারা জীবনে তিনি গোপালের তিনি সেবা করেন, সারা জীবন সেবা করছে, এখানে বৃন্দাবন গেছে ওর সেবা কি করেন, নিজে গোপাল সেবা করেন, জল নিয়ে আসা বাজার থেকে নিয়ে আসা রান্না করে, ঠাকুর তিনি নিজে সেবা করতেন। এই জন্য আমাদের বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলছেন যদি কেউ সারা জীবন তার সেবা করে যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে যায় ওর সেবা কে করে, ঠাকুর করে ঠাকুরকে করতে লাগে, বলে কেন, বলে তার সেবা সারা জীবন করেছে না, এখন ওর সেবা কে করে, ঠাকুর করতে হবে। এই জন্য বলছে ছেলে নেই দুঃখী হবে না, ভগবান নিজের ছেলে বানিয়ে দাও, এই জগতে এই ছেলেকে যত ভালোবাসতে ওই ভালোবাসা যদি গভীর থেকে দিয়ে দাও না, ভব বন্ধন থেকে তোমার মুক্তি হয়ে যাবে। আর সংসার দেখবে সন্তান না থাকলে যত দুঃখ না, সন্তান থাকলে ডবল, আমি তো সারা দুনিয়া যাই, অধিকাংশ লোক আমার কাছে আসে বলে বাবা ছেলেটা কথা শুনে না, আগে একটু একটু শুনতে শুনতে না, যত থেকে বিয়ে হয়েছে স্ত্রী কানে কি মন্ত্র দিয়েছে, সারা জীবনে আমার মন্ত্র কাজ করলো,
छेले एक रात्रि ते छेले जे की मंत्र लिए छे द्वितीय दिन माता राम एकरा राम कथा ही करना देखो हमारे महाराज बोलते मन दिए सुनो हमने की शिक्षा भी सी आछे एक समय हमारे जे बड़ा महाराज सी एक जन व्यक्ति ऐसे थे बोले महा बाबा ये बेटा बात नहीं सुनता है बुझते बात है तो ये छेले की हमारे कथा सुने ना हैं आगे तो इसको सुनते ना सुनते बीए के तेरे कथा सुने ना गुरुदेव बोले रामायण पढ़ा बोले ना बोले छेले के रामायण पढ़ाओ बोले ना बोले जी रामायण पढ़े बिना संतान तेरे के गीता भागवत रामायण पढ़ा बिना तारे यही दुर्गति है कहना यदि तुम यदि छेले के रामायण पढ़ाते रामायण लिखा चे प्रात उठई रघुनाथा मात पीत गुरु महिमा भगवान तेरी सताल उठे कथा में तेरी की करते हैं पिता मातरे चरण पूजा करते हैं गुरु दगर चरण छूते हैं रामायण देखे चे ना टीवी ते जब हम दशरथ राजा स्वयं कर चे भगवान राम निजे पिता चरण सेवा कर चे यदि छेले के रामायण सिख पढ़ाते गीता रामायण पढ़ाते तब रामायण तक शिक्षा देते किंतु गीता रामायण तो पढ़ा लेना स्मार्टफोन किए 10-20 हजार का स्मार्टफोन किए दीजिए हैं स्मार्टफोन जीवन जाते बर्बाद होते बार तार 10-20 हजार का स्मार्टफोन तक दीते बारो एक बार बोले चल बेटा इतना माला करो एक तो गीता पढ़ रामायण पढ़ बोले चल की बोले ना बोले ये दुख काटे पेटर तुम्हारे लिए पेटर इंडोनेशिया भी नाम सुने का मुसलमान कंट्री तारा आमादर देश तक साधु करके देखे नहीं जाए बोले क्या ना बोले आमादर छेले देखे आपने रामायण सुना क्या क्या मुरारी बापू नाम सुने था कि रामायण सर्वश्रेष्ठ कथा का हो रामायण ओके इंडोनेशिया मुसलमान लोकरान देखे नहीं जाए बोले अपने आमादर कैसे रामायण सुना बोले क्या ना बोले जाते आमादर माय और गो मार छेल में और गो मारा सती थक सती तो थकते बारे कितना भगवान राम माया जाते सत्य को रक्षा करते बारे एक ने सीता के तिनी आजीवन तिनी त्याग कर सन बोले क्या ना एक ती धोबी नहीं आज चिलो एक रात्रि को टाइम फेंक के चले बोले पति घर खाते चिलो ना बोले जेठाने चिलो जेठाने था एक ने भगवान तिनी सीता का त्याग करने तिनी तिनी भी जरे पितृ आदेश पालना करार जने 14 वर्ष पर जन तिनी वनवास चली जाए बोले क्या ना पिता माता की भाव सेवा करता है कि भावे पिता माता का सेवा करता है आदर्श तेरी देखिए छे एक लो तो सुन ले ना आज स्मार्टफोन भरे दिए जो बात चले तो भले हो अब जूतो मारे में ना तुम्हारे मारे में काटे मारे एक ने गुरुदेव बोले यदि तुम निजे जीवन के भालो करते जाओ गीता पढ़ो रामायण पढ़ो भागवत पढ़ो अपने देखे थक बने अपने मुसलमान भाई दादा राम क्यों शुक्रवार है ना नमाज के पढ़े छोटे छोटे बच्चा दर नहीं जाए हमारे उधर टोपी पड़ी है 10-5 वर्ष से छेले दर भी रास्ता बंद कर दिए रोड बंद हो गया पूरा मेन रोड बसे तार से करे नमाज पड़े हमारा बोली छेले को मंदिर चलो बोली हमारा छेले दर मंदिर को चलो एक गोस्वामी तेरी कथा हो जी भगवान बोली दादरे के जब तो उल्टा पुल्टा गंदा गंदा पुस्तक पुस्तक टीवी तीन भर संसार में टीवी मार पीट वही तो देखा थी कि गुरुदेव बोलते जने यदि स्वयं प्रथम पिता माता लो प्रथम गुरु के पिता माता लो प्रथम गुरु पिता माता थे कई छेले सब शिक्षा करे यदि निजर गप गलाई कंठी माला तिलक ना था छेले तेरे की करी बोलवे तुम एक की माला करो एक गीता पढ़ो चलो मंदिर जाए निजे कुछ करे ना तो छेले सीख लो दादा प्रथम गुरु और तो पिता माता बुझते बात है तो जने स्वयं भजन करो संतान दर के यदि जीवन शांति सुख के चार स्वयं भजन करे छेले दर के तादर भजन का अंत लगा ठीक है जे प्रणिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल प्रणिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल ना सुखी चलो ना एक ने बोले तुम्हें भगवान की संतान उसके प्राप्त करो बोले ना हम तो संतान सर हम तो छेले जाए हमारे छेले जाए तुम्हें बोले ना आमी तुम्हारे लला में देखे बोल सी एक जन्म के ना 7 जन्म पर जो तुम्हारे छेले हो गए बोले कि एक जीवन में संतान नहीं 7 जन्म पर जो संतान हो गए ना तो अगर चरण धरे ना कामना घटी करता आरंभ कर दिए
जपना अपनी बोल से सात जन्म पर जन्म संतान नहीं निश्चिंत अपनी संतान दिते पर ऐसे ना हिंदी का कथा है जो ना करे लकीरी तब सो करे फकीरी लकीरी मतलब होता है भाग्य जो तुम्हारे भाग्य नहीं फकीरी माने साधु यदि साधु कृपा है ना तो असंभव संभव होते पारे एक बार चरण करे खाना कटी पर चे तिले की फल नहीं तिले मंत्र पूत कर दिए दिस बोल जाओ ये फल का पत्नी के खावावे बोलवे गर्भवते संतान खाता समय गीता भागवत रामायण जाते पड़े हैं आज जाते खराब कार्य ना करे सर्वगुण संपन्न एक संतान है देखो मायरा भाला कृष्ण एक प्रथम हम लोग गर्भ संस्कार माने कि जब हम गर्भ संतान खाते मायरा यदि गीता भागवत रामायण पढ़े ना देखिए कि संतान भी खूब ही सुंदर है अपना तेरे आदेश पालन करके सेवा करना रामायण सुने चे रामायण देखे लव कुछ देखे चे देखा ना माँ सीता जो गर्भवती थी लव अयोध्या पे भगवान राम की साधु संन्यास कर देखे चे तुलसी ते जाना आज के कहना हमें साधु कर देखे चे बोले कहना बोले तुम गर्भवती आज ना ऐ समय जब तुम साधु सम करो ठाकुर ने गोभी तेरे कथा सुना छल ना ढाला हमें अपना लव कुछ देखे चे ना तेरे को बलवान राम ने कथा राम को सुना चे कि बलवान देखे चे लव कुछ तो तेरे बलवान इजने प्रथम संस्कार गर्भ संस्कार ते जो है कौन कौन छल तो बहु कथा सुने हर की कथा सुना अधिकांश कॉलेज जो कथा सुन चुका है प्राय संतान की कथा सुने ना बोले कारण बोले माय दे जब पेटे गर्भ था जब सिनेमा डिस्को ध्यान से देखे उल्टा पुल्टा वो छले और डाकू ही गर्भ थे बेले सीधा डाकू है क्या ना ताकि तुम्हें गर्भ संस्कार तो नहीं तेरी हाँ ऐसे ने प्रथम संस्कार हो लो गर्भ संस्कार साधु बुझा ले तुम्हें गीता रामायण होके पढ़ते बोले हुए चल के भाला आ गया कि तू पति तो खूब खुशी हुई फल की लो कि तू और नाम की जो बोले धुंधुली धुंधुली माने कि अज्ञानी अंधकार तो साधु जब फल की ग्रहण कर दू वो तो खूब चिंताएं पड़ी गल हे भगवान और ना सखी चिलो ऐसे चे सखी बोल दुखी के ना बोल चे कुछ आते फल दिए से बोले साधु दिए चे बोल चे ना खेले गर्भ आवे बोले पुरुष तो पुरुष रखी है गर्भ संतान धारण करे की कष्ट रहे नए पास पर चले खेते पार बना घुरते पार बना कभी आपको गुंडा चलिया समझाई जाओ हमें सुन ची सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष पर चले चले प्रसव पीड़ा ताबर कादर लाल न पाल न कर रात्रि से घुमा तो दीजिए ना यदि जगह तक कोई सुखी ना बांध मत कुछ दवा बल तुम्हें चिंता कर चेक ना हमारे संतान नहीं हमार जो पति का से पैसा नहीं तुम्हारे का से वैसे पैसा आ चुका तुम्हें कुछ पैसा हमारे पति के दीजा और एक हॉल की परीक्षा करा के नहीं गोरु का के खावा और तुम्हें कापड़ पटे देते ना मिथ्या करो स्वीय था तो और जब हमारे प्राणी संतान है तो हम लुके दी जाओ बस तेरे को कर दी और ब्राह्मण तो खूब खुशी लाला भयो है लाला भयो है लेकिन स्तने दूध नहीं क्या संतान होले तो दूध आसवे तो दूध बुधा करके आसवे एक मैंने किए बोले छे बोले हमारे जो सखी आछे ना सुनला और की का संतान होय छे ओके देखे ने वो बोले चिंता नहीं एक ना और जो संतान ना वही एक ना दूध खावा छे जे गोटा और बाड़ी ते छिलो अनेक दिन तक संतान दी तो ना कोई साधु फल दिए छे साधु फल का अव्यर्थ साधु कृपा तो हवे ही एक अत्यंत सुंदर एक राजकुमार मत गोरुटा बेटा बच्चा जन्म दिए छे हर सुधु कान देखते गोरुर मत संपूर्ण शरीर अपूर्व सुंदर का शरीर एक न सारा दुनिया बोलते भैया जब भगवान देते नहीं जब देते हैं ना किस देते हैं छपर फाड़ करके देते हैं अपना देखते सुंदर कहानी सुना से ठाक हिंदी में सुना लो ठाक हिंदी कारा कारा बुझे ना हाथ उठा तो ठीक है हाथ उठा कारा कारा हिंदी बुझे अरे हाथ उठाना क्यों बुझे उठा सुना हिंदी यार बुझे ना मालूम करे हिंदी बुझे ना तुम्हारा आप देखिए हिंदी में सुना था देखो एक समय दो पति पत्नी थे बड़े भक्ति करने वाले जो दोनों ही भक्ति करते थे उसका पति गया था शौच क्रिया के लिए शौच क्रिया को बाद में हाथ में मिट्टी लेकर के साफ करते जब जहां से उन्होंने मिट्टी उठाया देखा वहां पर ढक्कन है और ढक्कन उठाया तो देखा एक कलसी के अंदर में हीरे जवाहरात उसके अंदर सोना चांदी हीरे जवाहरात भरा हुआ बोले राम 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 सवेरे सवेरे माया के दर्शन हो गए वो साधु था ना उसको छोड़ कर जा रहे पत्नी को बोला मैंने सवेरे शौच क्रिया में गया था
और मिट्टी उठाया तो देखा वहां एक मटकी में धीरे जड़ा भरा हुआ था। राम 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 राम, सवेरे सवेरे माया के दर्शन हो गए। उसी समय में कुछ डाकू लोग उसको घर को पीछे चोरी करने के लिए आए थे। बोले भैया थोड़ा बेकूफ है, हीरे जवाहरात तो सोने चांदी तो छोड़ करके आ गया, अच्छा हुआ उसने लाया नहीं, जब हम लेकर के आते हैं। जब ये चोर लोग आकर के ढक्कन को निकाला ना, देखा हीरे जवाहरात नहीं, अंदर में जहरीले सर्प बिच्छू और ततैया, बड़ा भयानक। बोला अरे तो बड़ा बदमाशी, ये तो हमें मरवाने के लिए, हम मरवाने के लिए बताया। बोले चलो ये मटकी को लेकर उसको घर में फेंक करके आएंगे। लेकिन साधु ने क्या देखा हीरे जवाहरात, लेकिन ये दुष्ट थे ना, इसलिए उनको हीरे जवाहरात नहीं दिखा, जहरीले सर्प और बिच्छू और सांप दिखा। अभी उन्होंने मटकी को लाए छत के ऊपर उठे और करत से उसका घर को काटे हैं, काट करके जो मटकी था ना वो मटकी को धड़ाम करके फेंक दी। घर में गिरा तो जितने हीरे जवाहरात घर में एकदम भर गया। बोले भैया भगवान जब देते नहीं देते हैं, जब देते हैं ठाकुर जी छप्पर फाड़ करके देते हैं। बोले भैया कोई बात नहीं, हम तो छोड़ करके आ गए थे, अपने आप आ गया, कोई बात नहीं। ठाकुर के लिए चकाचक भजन करना, रोज पुष्पा में छाना डालना है, सुक्का और पिज्जा पास्ता बढ़िया चकाचक भजन बनाओ और ठाकुर को भोग लगाओ और सबको भोजन कराओ, साधु संत को भोजन कराओ चकाचक घर में। इसे भगवान जब देते हैं, जब देते हैं कैसे देते हैं, छपर हार करके ठाकुर जी देते हैं। इसलिए यहाँ है संस्कार ऐसे कैसे नाम नहीं देते, टुल्लू बुल्लू पिंकी पिंकी ऐसे विदेशी कुत्तों का नाम है, ऐसे नहीं देनी चाहिए। उसका जन्म नक्षत्र को देखो, किस समय में जन्म लिया, ज्योतिष को पास में जाओ, एक अक्षर निकलेगा, वो अक्षर को पहले रख करके कोई भक्त का नाम नहीं तो किसी भगवान का नाम पर नाम रखो। ये एकदम प्रॉपर साइंस। देखो जैसे जब बेटा बेटी की शादी होता है हम जन्म पत्र मिलाते कि नहीं बताओ, जन्म पत्र मिलाते हैं ना, ऐसे नहीं शादी कर देते हैं। ये भारतीय संस्कृति है, अपना जाति में और जन्म पत्र मिला करके देते हैं। बोले क्यों, बोले बीच में जैसे लड़ाई झगड़ा नहीं करे, बीच में ये लड़ाई झगड़ा नहीं करे, दोनों शांतिपूर्वक रहे, इसलिए जन्म पत्र मिलाते हैं ना। अभी जगत में डाइवोर्स क्यों हो रहा है भारत में, अभी 50% डाइवोर्स हो रहा है, क्यों? हमने शास्त्र का जो निर्देश है, जो नियम है, अब ये शास्त्र नियम को हम पालन नहीं कर रहे, इसलिए सब डाइवोर्स हो रहा है। इसलिए ये जो नाम करना संस्कार ऐसे नहीं, अभी नाम करना संस्कार के लिए वहां पर पहुंचे, नाम करना संस्कार हो रही थी, एक का नाम रख दिया गोकर्ण, क्यों? गैया जैसे कान था। अब एक जो बच्चा था, दूसरा बच्चा धुंधुल, इसको मैया ने बोली भैया बच्चे को मैंने जन्म दिया इसलिए मेरे जैसे इसका नाम होनी चाहिए, मेरा नाम धुंधुली, इसका नाम होगा धुंधुकारी। धुंधुली मतलब अज्ञानी, अज्ञान का बेटा कैसे होगा, तो धुंधुकारी, धुंधुकारी मतलब धूम धूम करती थी धुंधुकारी जीवन को। नंद बाबा, नंद बाबा कृष्ण नाम में जो ना है वो नंद बाबा से लिया ना। बोले नंद बाबा का पिताजी का नाम क्या था, बोले परजन्य, उनका नाम था परजन्य। लेकिन क्री में जो री मात्रा है रह, तो यह परजन्य बाबा से। इसलिए पहले जो बच्चे को नाम रखते थे, हम बोलते ना पिताजी को पिंड कौन लेगा, बेटा ही तो लेगा पिंड ना, इसलिए कहते ना भाई पिताजी का नाम रखा करना, पिताजी का नाम दुबारा नहीं, पिताजी का नाम रखा करना। इसलिए पहले जब नामकरण करते थे ऐसे नाम होता था, ऐसे नहीं बनते। जो गोकर्ण बड़े विद्वान बना, बड़े ज्ञानी, लेकिन एक संत को धोखे दिया, संत जो फल को धोखे दिया, इसलिए उसको बेटा इतने दुष्ट बना, किसी घर में आग लगा दे, किसी बच्चे को कुएं के पास में देकर धक्का मार दे, चोरी करे, शाम होते ही 10 की शिकायत, तेरे बेटा ऐसे कर दिया, तेरे बेटा ऐसे कर दिया, तेरे बेटा ऐसे कर दिया। बोले हे भगवान, वो साधु सही बोल रहा था, संतान से पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा भी सुखी नहीं, एक व्यक्ति सुखी है पिताजी जो ठाकुर जी के चरणों में शरण लिया, केवल भगवत चरण में जो शरणागत पिताजी वही सुखी। जीवन पिताजी अगर जीवन में सुख बनना चाहते हो ठाकुर जी की शरण में जाओ, संतों की शरण में जा करके भजन करो पिताजी, आपको परम शांति मिलेगा। पिताजी चले गए, घर में मैया आते हैं,
एक दिन उसने मैया को खूब पिटाई थी, बोले बता पिताजी का लाल करके पूरी तरह से मार डाली और गड्ढे में गाड़ करके भाग गई। अभी बन गया प्रेम। जब गोकर्ण घर में आया कभी बाघ बन करके कभी बिल्ली बन कर डराए, बोले क्यों गोकर्ण क्यों धुंधुकारी, तेरे नाम पर गया मैं पिंड दिया तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मैंने इतने पाप किया है, एक बार भी पिंड 100 बार भी पिंड तो मुक्ति नहीं मिलेगी। जब उन्होंने सूर्य देवता को पूछे मुक्ति कैसे मिलेगी, बोले भागवत कथा से। जैसे हम लोग यहाँ बैठे ना, कैसे कथा सुननी चाहिए तभी हम भगवत धाम में जाएंगे। पहला नियम है बोले विश्वास गुरु बात के सो, पहले गुरु जी की बात के ऊपर विश्वास है, ये गीता भागवत को विश्वास हो। अगर कोई सोचे अरे ये पंडित लोग का पेट पालने के लिए गीता भागवत बना दी फिर तो कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा। पहला नंबर विश्वास, कहीं बोले विश्वास मिले वस्तु करके बहुत विश्वास मिले वस्तु, पहला नंबर विश्वास। दूसरे नंबर पर स्वस्मिन दिलक भाव, इसलिए महाप्रभु कहते हैं भक्ति करना तो चार गुण आनी चाहिए, त्रिनाद भी सुनी चाहिए ना, तरल भी सही सुनना, अमान का मान देना कीर्तन ये सुना है। पहले त्रिनी से भी दिनी ही बनो, पेड़ से भी ज्यादा सही सुनो, सबको यथा जो के आदर दो, अरे भजन करते करते यदि अन्न प्रति आसक्ति था के तो भजन करना। चतुर्थ का हलो रसास्वाद, रसास्वाद अर्थ हलो এদিকে মালাও চলছে হরি কৃষ্ণ হরি কৃষ্ণ 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 হরে হরে হরে, ওই সিনেমাটা গেলে ভালো হতো হরে কৃষ্ণ, ওই 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 পুচকাটা দোকানটা খুব ভালো পুচকা দোকানটা, কারণ আজকে যাও হরে কৃষ্ণ ও কী করছো ওখানে না। বল অভিনিবেশ অর্থ হলো এখানে রসাস্বাদ অর্থ হলো এতে ভজন করছে শুনো, কথাটা ভালো করে মন দিয়ে শুনো, যদি কেউ 7 দিন পর্যন্ত ঠিক ঠিকভাবে কথা দিবি এই মানে যদি কেউ শুনতে পায় দেখবে। এখানে বললাম না ভাগবত নাই, এটা হলো কল্প বৃক্ষ, চা চাইবেন বলে নিগমল কল্প তরুণ গলিত ফল, আপনি চা কিছু চাইবেন 7 দিনের মধ্যে, যারা রোগী নিরোগ প্রদান করবে, যাদের সন্তান নেই তাদের সন্তান এরপর বিশ্রাম দেবে আর ধরবে। বলে শ্রোতা হলো দেখো আজকে আমি বলবো কালকে আপনাদের কথা আমি শুনবো, দেখো কে এই 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 যে শেষ কথা কালকে শুনবো, দেখো যদি কেউ বলতে পারে না তাকে আমি ইনাম দেবো, ইনাম মানে কি বলে প্রায় দেবো তাকে আমি, যদি কেউ বলে দিয়ে মন দিয়ে শুনো। শ্রোতা হলো 2 প্রকার, কত প্রকার কি করে শুনতে হয় শ্রোতা কত প্রকার 2 প্রকার, একজন হলো উত্তম শ্রোতা আর একজন হলো সাধারণ শ্রোতা। হ্যাঁ যে উত্তম শ্রোতা হলো 4 প্রকার, কত প্রকার 4 প্রকার, প্রথম নম্বর হলো মাছ, আপনার মাছকে দেখেছেন দেখবেন মাছের যে চোখটা না পড়ে না সব সময় চোখটা খুলে থাকে, বলে কথা কি করে শুনতে হয় বলে একদম চোখ খুলে এক মানে কথা শুনতে একদম মাছের মতো এক মানে কথা শুনতে হয়, এটা হলো প্রথম হলো শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় নম্বর হলো বলে হংস, হংসকে যদি দুধ দিয়েছে দেখবে ও দুধ দুধ তো খেয়ে নেবে আর জল জল ছেড়ে নেবে, মানে কথা কি করে শুনবো সার দেব অসার নেব না সার দেব। এই জন্য বলছে একটা পক্ষি একটি হলো মধুমক্ষী, একটি হলো মক্ষি একটা হলো মধুমক্ষী, মধুমক্ষী কোথায় বসে ফুলের মধ্যে সেখানে মধুকে আহরণ করে আর মক্ষি কোথায় বসে মাছি যত খারাপ জিনিস, এই জন্য আমার মধুমক্ষী হব আমার মাছি হবে না, মক্ষি হবে না মধুমক্ষী হব। হ্যাঁ এই জন্য মধুমক্ষী যেরকম মধুমক্ষী প্রত্যেক ফুলের মধ্যে বসে তিনি কেবল মধুটাকে গ্রহণ করে, এইরকম ভাবে কথা শুনবো। কত প্রকার হলো 3 প্রকার হলো, চতুর্থ প্রকার হলো বলছে এটা হলো চাতক, এটা চাতক এটা পাখি আছে, ওই পাখির একটা বিশ্বত্ব আছে, ও কোনো নদীর জল খাবে না কোনো সরোবরের জল খাবে না গুহার জল খাবে না, যখন বৃষ্টি হবে কেবল স্বাধীন নক্ষত্রের ও জল খাবে, এই জন্য ও সবসময় বলতে থাকে প্যাসাম প্যাসাম প্যাসাম, মানে আমি পিয়াসি জল জল চিত্তা করতে থাকে সবসময়। হ্যাঁ এই জন্য কথা শুনবো তো ঠাকুরের কথা শুনবো, জল খাবো তো মানে কথা শুনবো তো যার তার কথা শুনবো না শুনবো তো কবিতার কথা শুনবো আর কথা সংসার বিতন কথা শুনবো না কেবল ঠাকুরের কথা শুনবো। 4 প্রকার হলো। হ্যাঁ আর আরটা আছে তোতা, তোতা মানে টিয়া পাখি, টিয়া পাখির একটা বিশেষত্ব আছে কোন কাঁচা ফল ও ঠোঁট লাগাবে না ও পাকা ফল লাগাবে, মানে মুখটা যেখানে সেখানে মারবে না, মুখ যেখানে সেখানে মারতে না,
মুখ মারবো তো গোবিন্দের প্রেম কথাই মুখ মারবো, ঠিক আছে? পাঁচ প্রকার। আজ সাধারণ শ্রোতা হলো চার প্রকার। প্রথম নাম হলো ভুরুডু, ও ভুরুডু একটি পাখি, ও হিমালয় পর্বতে থাকে। ওর একটি স্বভাব হলো আপনি ওকে যেরকম বলবে না ও ঠিক ওই রকম আপনাকে শুনে দিবে, যেরকম শুনিবে ওই রকমই শুনিয়ে দিবে, কিন্তু করার সময় না ওর উল্টো দেবে। শুনবে শুনিয়ে তো দিবে, কিন্তু নিজের জীবনে কোনো আচরণ করবে না। দ্বিতীয়টি হলো উট। উট এদিকে তো উট নেই, আমাদের ওই দিকে তো খুব উট আছে। উটকে যদি আপনি সুন্দর কোমল কোমল কোনো পাতা দিয়েছেন খাবে না, ওটা কিন্তু কানটা গাছ উঠে আছে। মানে কি, ভগবানের কথা শুনবো না, ঠাকুরের কথা যেখানে সেখানে যাবো না, কোথায় গল্প মারা আছে, এত বড় সাপ দেখেছি, এত বড় ভূত দেখেছি, ওখানে ইয়ে হয়েছিল, দেখবেন ওইখানে বসে গল্প মারে। গোবিন্দের কথা হচ্ছে সেটা ভালো লাগছে না, এই জন্য উট হবে না। হ্যাঁ, তৃতীয় নম্বর হলো ব্যয়ের। ব্যয় মানে কি, বলা দেখে যদি আপনি ভূষা দিয়েছেন বা সুন্দর সুন্দর ফল দিয়েছেন, ও তার মধ্যে কোনো পার্থক্য বুঝে না, দুটিকে সমান মনে করে। অর্থ কৃষ্ণ কথা হোক অথবা দুনিয়ার কোন কথা হোক, বাস বসে সেখানে দশ নম্বর থাকবে। আর কত প্রকার হইল? আর চতুর্থ নম্বর হলো হ্যাঁ ভেড়িয়া। ভেড়িয়া মানে একটা ছোট জাতির যে এটা বাঘ, কি বলে বাঘ, ছোট একটা বাঘ আছে, কি বলে এটা, হ্যাঁ ভেড়া, ছোট একটা বাঘের মতো আছে। ও কি করে, ও কি করে, যখন হরি যখন কোনো সুন্দর শব্দ শুনে না, একদম কান দাঁড়িয়ে যায়। ও জানে হরিণকে ধরতে পারবো না, তখন হরির উপরে আক্রমণ করবে। যখন হরিণ কোনো সুন্দর শুনে শব্দ শুনে একদম মুগ্ধ হয়ে যাবে, তখন ও এই বাঘকে আক্রমণ করবে। অর্থ হলো এইরকম কেউ শ্রোতা আছে, নিজে তো মন দিয়ে কথা শুনেই না, ও পাশে দিয়ে বসে থাকলে তাকেও শুনতে দেবে না। বলে তোমার বাড়িতে কি রান্না বান্না হয়েছিল, ওর বউ আইরকম করছিল, ওর ছেলেটা কেন কি করছিল, বিনা কারণে কথা শুনবে না। আর যে কাছে বসে আছে না, ওকেও কথা শুনতে দিবে না। এই জন্যে কথা হলো, আর কথা হলো চারি প্রকার, কথা হলো চারি প্রকার, সাত্বিক রাজসিক তামসিক আর নির্গুণ। সাত্বিক কথা কাকে বলে, এক মাস দুই মাস শুনলাম, তো তারপর আর কোনো কথা শুনলাম না। রাজসিক কথা কাকে বলে, খুব বড় আকারে কথা আয়োজন করলাম, ভাগবত কথা হবে আর সবাই কথা শুনতে আসো, একটু লাখ টাকা খরচ করবো, একটু লাখ টাকা খরচ করে, ও এত লাখ টাকা খরচা করছে, আমিও এত লাখ টাকা খরচা, ও দেখাবো। হ্যাঁ, ও দেখাবা হয়ে যায়, কে খেলো কোথায়, কে চারি চা পানি খেলো কিনা, কোথায় কি থাকলো, কথার মধ্যে কোনো মতলব নেই, কথা শোনার কোনো মতলব নেই, কোথায় গিয়ে থাকলো তাকে দেখাবো, এত টাকা ওর দিয়ে ভাগবত কথা করছে, আমিও এত দিয়ে কথা করবো, বউ কি আমার মনে করছে। বাস তাকে বলে রাজেশি কথা বলো, কথার মধ্যে কোনো রুচি নেই, কেবল কে থাকলো না থাকলো ওই করতে করতে জীবন গেল। আর তামসী কথা হলো, সাত দিন পর্যন্ত যারা কথা শুনে কিন্তু কখনো শুনলো কখনো শুনলো না, মন লাগলো না, একটু ঘুরে ঘুরে চলে গেলো, আবার বসলো, যে কোনো ভাবে সাত দিন কাটিয়ে দেওয়া, এটা তামসী কথা। এই কথা নেই বলে প্রকৃত কথা কি, বলে প্রকৃত কথা হলো সদাশিব্যাম ভগবতী বার্তা। যারা নিজের জীবন কথা বানিয়ে দিয়েছে, প্রত্যেক দিন সকালে উঠে হ্যাঁ গীতা ভাগবত একটু পড়বো, রামায়ণ পড়বো অথবা চৈতন্য ভাগবত পড়বো, চৈতন্য চরিতামৃত নিয়ম করে পড়বো, নিয়ম করে গোবিন্দের সেবা করবো, একটু হরিনাম করবো, তুলসীকে পরিক্রমা করবো, তুলসীতে জল দেবো, ঠাকুরকে ভোগ লাগাবো। হ্যাঁ, যিনি সম্পূর্ণ জীবনকে তিনি গোবিন্দের সেবায় লাগাচ্ছে, যারা গোবিন্দ সেবা ছাড়া কিছুই জানে না, আপনি বলিবেন আমাকে সাধু হয়ে গেছি, আমাদের তো সংসারের অনেক কাজ কম আছে, তোমরা সব সাধু হয়ে গেছো, তোমাদের কাজ এবং সাধুদের কাজ বলে না, সাধু দিয়ে ড্রেসটা সাধু নয়। এই জন্য বলছে গৃহে থাকো বনে থাকো সদা হরি বলে ডাকো, গৃহে বা বনে তো থাকে সদা হরি বলে ডাকে, গৃহস্থ হোক ত্যাগী হোক, ভক্ত ভেদ নাই, ভক্তের মধ্যে ভেদ নেই, মহাপ্রভুর অধিকাশ কত গৃহস্থ ছিল, বলুন মহাপ্রভুর ভক্ত কত ত্যাগী ছিল, কিন্তু অদ্বৈতাচার্য শ্রীবাস পণ্ডিত নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবানন্দ সেন গৃহস্থ ছিল না, হ্যাঁ গৃহস্থ ছিল। এই জন্যে সব কিছু কাজ করো, খুব টাকা পয়সা কামান, কিসের জন্য টাকা পয়সা কামাচ্ছি, গোবিন্দের সেবার জন্য, ঘরটাকে ভালো করে পরিষ্কার করুন, বলে তা কেন, ওইটা গোবিন্দের ঘর, এটা আমি ঠাকুরের ঘর, হাতে কাম আর মুখে নাম, আর রান্না করবে সুন্দর করে ভালো করে, বলে কেন, গোবিন্দের সেবা লাগে, নিজেকে ভালো করে স্নান করে ভালো করে শাড়ি পরুন, বলে কেন, বলে খারাপ শরীর দে ঠিক আছে গোবিন্দের সেবা করো, ছেলেটাকে খুব ভালোবাসবে, বলে কেন,
গোবিন্দের ছেলে দিয়েছে, ছেলে গোবিন্দের তো ছেলে, বড় হলে গোবিন্দের ভজন করবে। এই জন্য কিছু ছাড়তে লাগবে না, কেউ বলে না কাম ছাড়াও ক্রোধ ছাড়াও, মহাপুর বলছে কিছু ছাড়তে লাগবে না, সব জোড়ো, কিছু ছাড়তে হবে না। ঘর মকান ছেলে মেয়ে কে দিয়েছে, ঠাকুর তো দিয়েছে, ছাড়বো কেন, ওকে গোবিন্দের সেবায় লাগবে, ঠিক আছে। এই জন্যে যে সম্পূর্ণ জীবনকে গোবিন্দের সেবায় লেগে দিয়েছে, এই কথা হলো ঠিক কথা। প্রণিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি 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 গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি প্রভু প্রভু একটা ভজন গাইবেন, সবাই দাঁড়িয়ে যাও, প্রভু একটা ভজন গাইবে, ভজন আসতে হবে, তারপরে এখানে ভাগবত ভাগবত এখানে করতে হবে, ঠিক আছে, প্রভু এখান থেকে হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আমাদের গুরুদেব বলতেন না, আমাদের যে বড় গুরুদেব বলতেন, দেখো এই কেন দশ দশ জন লোক নিয়ে আসবে, কজন লোক নিয়ে আসবে, দশ দশ জন, উনি তিনি বলতেন আপনি যাকে কথায় নিয়ে আসবে না, তিনি যে পুণ্য পাবে তাকে যে নিয়ে আসবে, ওর আধা পুণ্য যে ওকে নিয়ে আসবে পাবে, বুঝতে পারছেন তো, কালীকে এই যে এখানে ভক্ত ভক্তের ভক্ত নিয়ে আসবে, যাতে কালীকে ভক্ত হয়ে যায়, ঠিক আছে। বলো বৃন্দাবন বিহারি নাম কি, জয় জয় শ্রী রাম, ওবে তো আই বৃন্দাবন ধাম কিশোরী তেরে চরণ,